माँ सरस्वती के साथ ये जो गुरुकुट पे आसीन है उनका भी सम्मान आवश्यक है, तो उनको अंगवस्त्रम और माल्यार्पण हेतु मैं अपने आयोजक श्री रामानंद तिवारी जी और अशोक कपूर जी से सादर निवेदन करता हूँ। जी बिल्कुल, ये पूरा शिवार्चन ही होगा। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंताकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार मुख्य बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकार महिताय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनारविंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभो भवगौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चितशेखराय चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यपटेक्षिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते न।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शायद ये पहला मेरे जीवन का मौका होगा जो इस तरह से बात कर रहे हैं। तो जोड़कर मैं शुरू करता हूँ, बीच में उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। शिव का दूसरा नाम बम बोले भी है, उसमें को लीजिएगा शिवरात्रि के मौके पर। दो तीन रूपों में देखा जा सकता है। मैं जो कह रहा हूँ कहीं भी विद्वता इसमें नहीं है, ये चीज़ हमसे इंस्पेक्ट मत कीजिए। वो मेरी आर्टिकल पढ़िएगा और कंफ्यूज हो जाइएगा, कहेगा बड़े विद्वान है। दूसरी बात है डिफरेंट मैटर। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो जैसा कि सुभाष जी ने कहा, तो पहले तो मैं ये शुरू करूँगा इस तरह से, किसी भी चीज़ को शुरू करने जा रहे हैं, चाहे क्रिया हो, कर्म हो, वक्तव्य हो, कुछ हो, तो मीठी बोली होनी चाहिए। तो यहाँ जो है तीन का बड़ा अद्भुत संगम है। ये अभी अभी आया मेरे दिमाग में, तो आपसे शेयर करूँगा, तो मैं अपना वक्त दूंगा। पहला तो ये है कि सुंदर वाणी हो तो सुभाष रहे हो, बड़ा सुंदर बोल के लपेट देते हैं सबको। तो वो है जो माँ सीता को लंका में उस तरह से आनंद और प्रेरणा दिया जिस वृक्ष ने, और फिर जो है इतिहास में जो द ग्रेट नाम से जाना गया, वैसे ही इंटैक के जो है महापुरुष हैं, शलाका पुरुष हैं, अशोक जी हैं। और इन सबको जोड़ करके कुछ अजीब एक विडम्बना है कि रामानंद जी यहाँ मौजूद हैं उस परंपरा को लेते हुए, तो मैं आदि रूप में पहले सन्यासी रहा हूँ और रामानंदी संप्रदाय में पूर्णतः दीक्षित, उसके बाद मैं अघोरी बन गया हूँ, और अब जो है जो भी आप कह लीजिए बनारसी है। इन तीनों को यदि जोड़ दिया जाए तो एक ऐसी हरियाली उभर कर आती है, और जिसके हरे राम जी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों ने इनको सुना होगा, तो सब जगह कुछ ऐसा ये समागम है। तो मैंने शब्दों को इस तरह जोड़ कर आपसे कहने की कोशिश की, मुझे ये नहीं पता आज कहाँ से शुरू किया जाए। वैज्ञानिक रूप से आप बहुत सारा बोल सकते हैं, लेकिन उसको सामान्य हृदय से जोड़कर बोलना बड़ा कठिन कार्य होता है। मैं अभी कुछ शिव का कुछ क्रिया करके दौड़े भागे आ रहा हूँ, बुखार लगा हुआ है, 650 लिया हुआ हूँ, शिव की साधना है करना है। तो पहले तो ये देखा जाए जरा सा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। मैं समझता हूँ आधे घंटे हम बोले हैं, उसके बाद संवाद हो तो ज़्यादा बेटर होगा, कि मैं केवल बोलता रहूँ, मेरा कंठ सूख जाए, इससे कोई खास मतलब नहीं। तो पहले तो ऐतिहासिक दृष्टि से ये देखने की कोशिश करें, जैसे हम सामान्यतः ये कहते हैं कि वैदिक लिटरेचर को जो लिया जाए तो उसमें शिव की आराधना सीधे नहीं है, लेकिन ऋग्वेद को लें तो दूसरा रूप लें। तो एक बात तो याद रखें कि शिव जो है दो रूपों में वर्णन है, जो आगे हम आपको बताएंगे। एक तो फॉर्म है, रूप है, और दूसरा अरूप है। तो जो केवल वेस्टर्न ट्रेडिशन से यदि आपने उसको देखा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि रूप में डालूं कि अरूप में डालूं, और ये प्रश्न ही नहीं उठता कि कब ये शुरू होगा। तो ये मैं आपको एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि उस दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा, और मैं कुछ आपको उदाहरण ऐसा दूंगा, इसमें से कई लोग जरूर परिचित होंगे, प्योर मॉडर्न फिजिक्स से कैसे शिवलिंग जुड़ा हुआ है और जिस पर कई साइंटिस्ट ने काम किया है। तो ये कहना कि अध्यात्म एक नई या अलग दिशा है, और फिर हम कहते हैं प्योर विज्ञान अलग दिशा है, 75 में 1975 में ये सुविधा को चैलेंज हो चुका है, काफ़ी पुस्तकें आ गई हैं, जिन लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स का इंटरेस्ट है तो उनको पता होगा, पॉल डेविस जैसे नोबेल लॉरिएट्स ने इन चीज़ों को खंडन किया फिजिक्स का। तो दूसरी बात, तो हम यहाँ से पहले ये शिव इस तरह से करें, जैसे वेस्ट और ईस्ट को हम बार बार दोनों करेंगे, और अल्मोरोजी कहीं होगा ऑब्जेक्शन तो ऐसे कह के वहाँ से वज्रास्त्र चला दीजिएगा, तो मैं उसको हृदय में लगा लूँगा। हमारे पुराने मित्र हैं और साथ आपके हमारे प्रोफेशन। तो एक तो होता है कि जैसे हम राजा राव के एक उपन्यास से उसको साइट कर रहे हैं, उसमें जो प्रसंग आता है 30 साल बैकग्राउंड में पीछे जाते हैं, 1930 के बैकग्राउंड में जाते हैं सरपंच रूप में। जिन लोगों ने पढ़ा उसे नावल के दृष्टि से, काशी से और शिव को जोड़कर नहीं देखने की कोशिश की, यदि गहराई में जाएं, जो चीज़ प्रसंग चल रहा है उसको फील्ड में खोजिए, वहाँ जाके देखिए कहाँ हो रहा है, तो उसका एक प्रसंग में केवल आपके सामने रख के तब कुछ और बातें बताता हूँ। ये कोई ऑर्गेनाइज लेक्चर नहीं है, जैसा मैंने कहा ये डायलॉग है। तो उसमें आता है कि
गुरु अंतिम आशीर्वाद कैसे देता है सामान्य, तो उसका प्रसंग देते हैं कि सब जब दीक्षा दे दिया, अंत में जब समाप्त हो रहा है लास्ट, तो अपनी कुंडलनी जागृत करता है, अंगूठे से यहाँ दबाता है और एक खास तरह की सूक्त कहता है। ये दक्षिण भारत में आज भी ज्यों के त्यों है। वो कहता है शिवो अहम, शिष्य भी दोहराता है, ये तीन बार दोहराता है। क्या अर्थ निकलता है? मैं भी शिव हूँ, तुम भी शिव हो, दोनों मिलकर भी शिव है, जो देख रहे हैं वो भी शिव है, सब चीज शिव है। तो पूरा ब्रह्मांड को शिव रूप में देखने की एक बात है कि नावल में इस तरह के खड़ा करने का प्रयास किया गया, लेकिन उस रूप में उसको नहीं लिया गया साहित्य के क्षेत्र में। मैंने एक आपको उदाहरण दिया, तो कुछ इस तरह से शुरू करते हैं। चूंकि काशी का प्रसंग है, पहली बात तो ये है काशी में कितने शिव हैं, ये प्रश्न ही कुछ गलत है। इसलिए कि कहां से आप शुरू कर रहे हैं, कौन वाला, कब वाला, जैसे आप पूछें कि कितने शिव हैं, तो आप कौन सा काल कहना चाहते हैं, आज 12वीं शताब्दी तक, 8वीं शताब्दी तक, और इसको कैसे हम नापे, ये हमने अपने गुरु जी से ये सीखा था। उन्होंने कहा जिंदगी भर तुम यही करना, मरने तक यही करते रहना। किया, काफी किया, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे हम लोगों ने 1200 टेम्पल से किया अशोक का, यहाँ नहीं कर सकते ना, वो ऐसी मशीनें हैं, मैं उसका कुछ उदाहरण बाद में बताऊंगा। तो उसमें पहले हम ये देखें कि काशी को किस रूप में लिया गया और फिर शिव वहाँ कहाँ आते हैं। तो पहला, जैसा कि इसमें लिखा गया है माइथोलॉजी से, तो सर्वप्रथम जो माइथोलॉजिकल कथा चलती है, जो हमारे पौराणिक आख्यानों से ये चलती है कि शिव की नगरी थी नहीं, ये तो देवदास की नगरी थी, और देवदास कुछ इस तरह से हो गए कि कोई यहाँ देवता रह ही नहीं सकते थे, वो स्वयं में ब्रह्मांड बन गए। ये हम यजुर्वेद के उससे जोड़ सकते हैं, और जिन लोगों को इसको थोड़ा पॉपुलर वर्जन देखना हो तो आप एक नावल पढ़ सकते हैं वैश्वानर शिव प्रसाद सिंह, उसमें इसका वर्णन चलता है। प्योर नॉलेज जो है ऋग्वेद के आधार पर देवदास की कथा को दूसरे ढंग से जोड़ के, नाम देवदास है वहां, आप देख सकते हैं। तो यहाँ एक प्रसंग चलता है कि जब इधर इधर आइए इधर, तो उसमें प्रसंग ये चलता है कि शिव ने व्रत ये लिया था कि घर तो मेरा जरूर कैलाश है। ये सभी एक मेटाफर में, बाद में इसको जोड़ूंगा, एक तरह से प्रतीकात्मक कथाएं हैं। तो पहले ये था कि घर तो हमारा रहेगा कैलाश, जो आप मणिकर्णिका की कथा से हम उसको जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अदृश्य रूप में हम सब जगह रहेंगे, जिसको सुभाष जी ने अपने मधुर शब्दों में ये कहा कि हर कण में शिव का वास है। तो जब शिव यहाँ से हट गए तो निश्चित है बेचैनी उनको हुई। बीच बीच में मैं बनारसी शब्द प्रयोग करूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका प्रयोग करेंगे, बिना उसके वो रस नहीं आ सकता, फिर सूखा सूखा होगा क्योंकि स्लाइड नहीं लगेगी। ये सारी मेरी बेस्ट है, मेरे पास 8,000 स्लाइड्स हैं यहाँ के शिवलिंगों के, विद ऑल द कॉस्मिक एंड ऑल द डिजाइन लिंक दिस एस्पेक्ट। तो उनको ऐसा हुआ तो उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि ऐसे लोगों को भेजो जो पूरा नाटक नौटंकी करते हो, और जानते हैं काशी नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है, और नौटंकी में भी एक विधा है भणैती, उसमें भी है गाली, गाली भी स्पेशल तरह की कुल चलती है। जैसे अभी हम कर रहे थे कुछ एक सर्वे, अभी करके मैं आ रहा हूँ, अब मैं कैसे उस एस्ट्रोफिजिक्स को समझाऊं जब दो जने मिल के दो ओर से शिव जी को पकड़ के लगे कले पप 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 माय गॉड यू कैन व्हाट इज दिस नोबडी नोस दिस व्हाट अबाउट दे हम लगे दे डोंट नो एंड देन व्हाट इज दिस लगे दिस इज ओनली दिस शिव बनारस ये काशी है, हम खुद नहीं जानते, वो खुद नहीं जानता है, व्याख्या नहीं करता, लेकिन उसी में वो डूब रहा है। तो कुछ एक अजीब ऐसी विडंबना रही होगी शिव के पास। तब उन्होंने सोचा कि कोई खुराफात करो, इस तरह से हम कहते हैं भागवत जी के बारे में वर्णन आएगा कि कैसे यहाँ खुराफातियों का भी नगर है, खाली स्वर्ग नहीं है, परम द ग्रेट नरको है, दोनों का मिलन है, इसलिए बना हुआ रस है इसका। तो उन्होंने पहले कहा चलो हम आप इसको इनडायरेक्टली इतिहास से मैं जोड़ के बात कर रहा हूँ, माइथोलॉजी है लेकिन इतिहास से मैं। उन्होंने योगनियों को बुलाया क्योंकि नंगा नृत्य करोगी, तांडव नुमा करोगी, वो खुराफात करना कि देवदास कहीं गलती कर बैठे, क्योंकि वो तो ऐसा प्राप्त कर चुका है जो हम सब लोग उसके नीचे,
तो कोई गलती जहां हुईगी बस मेरा त्रिशूल चलेगा, नहीं तो मेरा कोई पाव चल नहीं रहा। अब मैं तंग हो चुका आ गई योगी। आप जानते हैं भारत में तीन ही जगह उनके मंदिर है, काशी में विकृत रूप में, लेकिन काशी पर ग्रंथ आ चुका है हडम्बर की सीरीज में, यहाँ योगनी पर पूरा ग्रंथ आ चुका है। आई जब योगनी आई, जैसा कि आप जानते हैं 64 आठ गुणे आठ, आठ दिशा, चार मूल दिशा, चार ये वही ऊपर गुणा कर दीजिए, 64 इस तरह केंद्र बना के पूरे इस काशी मंडल को कंट्रोल करने के लिए निघ्न जो भी हो सकता है आप समझिए नृत्य करना शुरू की। घुसी यहाँ सर, घुसी में पहला काम ये हुआ कि वही भूल गए कि कहाँ घुसे हैं। इसको हम लोग डी कोड किए हैं अपने साइंटिफिक में, उनके बाद समझ ही नहीं आया ये क्या करें, तो उसी तरह वो एक दूसरे को देख रहे हैं समझ ही नहीं पा रहे वो क्या रहा है। जिसको हम यदि इंग्लिश में करें तो स्पिरिट ऑफ प्लेस कहते हैं, या एक तरह से ऐसा एक ऐसा फोर्स जो किसी भी बाहरी शक्ति को बदल दे। तो वो लोग नाचते कूदते कहाँ जाए, दरबार तक पहुंची देवदास के। तो देवदास ने इसे कहा कि हे माते पहले तो कपड़ा ढक लो यार, काहे को नंगा नाच नाच रही हूँ। तो उनको तो पता ही नहीं था कि हम नंगा की नहीं, सब कुछ लॉस हो गया था एनर्जी। तो कहता अब आप क्या करें, इतनी ये तो हम लोग कभी सोचे नहीं थे, कहा बस अब आप यही रहेंगे। तो 64 योगिनियाँ रह गई ठीक। तो हुआ कि नहीं, इस छोटे मोटे आग और नृत्य से नहीं काम चलेगा, अब एक महान ऐसे जो फायर एलिमेंट है, जो अग्नि का रूप है, जो ब्रह्मांड में अग्नि है, उसको भेजो। तो सूर्य को भेजा, अब आप जाइए क्या करिए, तो ऐसा उपाय रचिए कि कोई गलती कर दे। तो कथा के अनुसार ये देव से जोड़े, बाद में उन्होंने इसे सर्वे से जोड़ा है और सही है कथा। तो दक्षिण भाग से घुसे, ये दक्षिण सारा जो है शहर नहीं था, ये बात अपने मन में जरूर रखिए, यह अध्यात्म क्षेत्र था, साधना क्षेत्र था। तो आज से शहर था इतनी बस्तियां से ये बात प्राचीन थी, आर्कोलॉजिकल कुछ साइट है टोटल नहीं थी। तो दक्षिण से घुसे, तो पहला काम किया कि ऐसा बनो कि कंफ्यूज हो जाए। तो कैसे कंफ्यूज है, सबसे निश्चल कौन होता है, बच्चा होता है। अब एक छोटा सा बच्चा जो है ये अपना लोल चाटते हुए चल दिया, दियोदास कहे महाराज काहे कोई भेष बदले हुए हो जरा खारे। तो अपनी तोतरी बोली में कुछ बोला, नाटक नौटंकी तो मत करो भाई, भेजे हैं सी मुझे सब पता है, चलो प्रगट हो। अब क्या करें, अब प्रगट हो गए सूर्य, कहे कि महाराज छोड़िए शिव को, अब जो कहिए हम करें, अब यही रहे। कहा आप बारहों रूप में ही बसे, यही आपका दंड है। तो 12 सूर्य स्थापित है, 13वां बाद में स्थापित हो गए। तब हुआ कि नहीं इससे काम नहीं चलेगा, शिव बड़े परेशान हुए, कोई लौटी नहीं रहा। इस तरह एक कथा थी, मैं एक और कहकर इसको बात दूसरी बना। फिर कहे कि भाई सबसे बुद्धिमान देवता की जरूरत है। ये काफी बात की, यदि आप देखें पौराणिक आख्यान तो गणेश को हम लोग शिव के पुत्र के रूप में मानते हैं ठीक है। तो जरा ऋग्वेद के ग्रह मंडल भी तो पढ़िए, ओम गणपते हवा महे, ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं। और ये 9वीं-10वीं शताब्दी का वो स्कल्पचर देखिए, इनकी निगाहों से जाके कभी भारत कला भवन जो सबसे सुंदर जो अशोकम पालिस है उस तरह का पालिस, इतना खूबसूरत शिव विवाह का है। और सब अरेंजमेंट कौन कर रहा है, गणेश जी कर रहे हैं। तो गणेश जी जब अरेंजमेंट कर रहे हैं तो क्या अपने पिताजी का 4वीं-5वीं शादी करा रहे थे क्या, जन्मे कब जो पार्वती के करा रहे हैं। तो कुछ ये बातें ऐसी होती हैं कि एक आदि के देव के रूप में उनका रूप था, बाद में शिव से जोड़ के इसकी चीजें हुई होंगी, हम इसको सीधे नहीं बोल सकते। एनीवे तो उन्होंने भेजा और ये कहा कि तुम जो है योगिनी तो थक गई, अब तुम अपना आदि रूप बनाओ और हमको बचाओ। वही रूप उन्होंने लिया, उन्होंने ये लिया कि यहाँ धरती पृथ्वी से लेकर जो भी स्वर्ग समझे या जो भी आप इसको समझे कॉस्मोस समझे, तो इनको सबको जोड़ते हुए जो ये बना स्पेस, जिसमें हमें क्लासिकल जियालजी में संजय जी हैं, हम लोग कहते हैं कि 7 लेयर हैं, तो उनको उसी 7 यही कुंडलनी का चक्र है, इसको जोड़ते हुए 8 दिशाओं में हर केंद्र पर तुम बैठो और कंट्रोल करो दिवदास। तो 8×7 गुणा कीजिए कितना होगा, 56 हो गया। तो 56 वही विनायक बने, वो भी आए घुसे, वो भी घुसे भदैनी के पास में जहाँ पहला है
जो दक्षिणी पूर्वी पर है, अर्क विनायक उनका नाम है। अर्क का मतलब ही होता है वह जूस जिससे हम सब आए, पहला प्राइमोर्डियल जूस हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आए भूल गए, वो भी समझ में ही नहीं आया, फिर मिले देवदास से तो कहे कि भाई ये काहे लिए कई रूप बना के इधर उधर, कभी भीख मांग रहे, कभी नाटक कर रहे, ये कर काहे को कर रहे हो भाई, इस निकालो अब अपने। तो कहे आप हमको जानते हैं, कहा हम सबको जानते हैं, चलो बैठ गए, वो भी बस। अब इसी को डी कोड हम करते हैं। हम लोगों ने जो एस्ट्रोफिजिकल अपना वर्क किया 3-4 सालों तक, जिसमें नासा और नेशनल साइंस फाउंडेशन का ये था, तो ये एक विचार ये आया, उससे निष्कर्ष इसी के सपोर्ट में आया कि इसका मतलब कि विभिन्न स्तर पर इस तरह की विभिन्न शक्तियां आके इस शहर में आती रही, तो इसका मतलब नहीं हुआ कि समान व्यवस्थे रहे। इसमें बड़े जिसको हम सिद्ध स्थान शब्द कई बार प्रयोग किए कि ये सिद्ध क्षेत्र था, वो बसते गए। हम लोगों ने सबकी मैपिंग की और प्लॉट करके फिर देखा कि क्या ही बैठता है, लगभग 100% बैठता है। अब इस तरह से शुरू होता है, तब शिव आए, बीच में मैंने कथा काट दिया कई वर्षों अंतराल, शिव आए तो कहाँ रहे भाई, क्या करें, तो त्रिशूल फेंका, एक कथा के अनुसार त्रिशूल फेंका तो तीन होते हैं उसमें फोर्क, फेंका तो तीन जगह वो टच किया तो तीन इसके खंड बन गए, तीन सेगमेंट बन गए। जो सबसे उत्तर हुआ ओंकारेश्वर हुआ, जो ओम शब्द की व्याख्या करता है, बीच में जो ऐसे दबा हुआ है वो विशेश्वर है क्योंकि नाम का सूचक है, फिर दूसरी ओर जो है हिल का सूचक है केदारेश्वर है, जिसका नाम हो गया ओंकार से ओंकारेश्वर, फिर विश्वनाथ से विशेश्वर, फिर केदार से केदारेश्वर। ये वर्णन हम अब आ रहे हैं जो हम ऋग्वेदिक काल की, और ये जो माइथोलॉजी हम कह रहे थे आपको, ये लगभग हम 8वीं शताब्दी पूर्व बात कर रहे थे, जो ये पश्चिम के विद्वानों ने डेट दिया है। अब थोड़ा सा हम उसके बाद में बात आते हैं कि कैसे क्या हुआ होगा। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि इसका मतलब क्या है। ब्रह्म वही वक्त पुराण, जिसको लगभग डेटिंग की जाती है कि अकबर काल में हुआ, कुछ ऐसी चीजें हैं उसमें जो सीधे पता चलता है कि टोडर मल इत्यादि का कुछ असर रहा होगा, कोई चीज फिक्स नहीं होगी सर, फिक्स वाला वो सुभाष जी के जी में वो दूसरे दिन बताएंगे, हाँ और काल जी के आदमी। तो उसमें ये बात आती है, तो इसमें जो वर्णन आता है कि समय के अंतराल को हम जो है 4 भागों में बांटते हैं, जो हमारे सनातन, ये हिंदू वाला नहीं, हिंदू भी शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वो सनातन अर्थ में है कि काल का डिविजन 4 होगा। सबसे पहला कौन है बोलिए, सत्ययुग है, उसके बाद कैलकुलेट किया कहां पहुंचता है, क्या ये कहना चाहता है। तब ये लगा कि ये जो बात कह रहा है कि कलयुग का ये तो लगभग 1820-22 कैलकुलेशन से आया, तो उसको हम लोगों ने यहाँ है ये लगा हुआ है प्रिंसेप की किताब, जिन्होंने रामानंद जी से छापा है पुनः केजरीवाल जी के निर्देशों में, तो वो मैप 1822 का है, उसको हम लोग बैठ के फिर पीछे ले जाते हैं, पूरे जो भी मॉडर्न टेक्निक अवेलेबल है उसके अनुसार ले जाके ये देखने की कोशिश किए क्या ब्रह्मवाई वर्त पुराण की वो बातें बैठती हैं, और बैठती हैं तो कैसे 100% बैठती है। ये जो मैं कह रहा हूँ ये वैज्ञानिक शोध पत्रिकाओं में, यहाँ के पॉपुलर मैगजीन में नहीं छपा, ये सब छप रहे। पहला ये कहा कि त्रिशूल ऐसे फेंके तो तीन खंड हो गए। अब आप गौर कीजिए, तीनों केवल 20-25 सालों में हम लोगों ने देखा कि काफी यहाँ के स्थल तोड़ के बर्बाद कर दिए। अभी चल ही रहा विश्वनाथ गली वाला, आपने सुना आज एक रिपोर्ट आई है, मैं कई लोगों को कॉपी भी करूंगा कि आप संस्कृत नहीं बचा सकते तो देश क्या बचाएंगे, ऐसा करके बड़ी वाली रिपोर्ट है कि विश्वनाथ मंदिर को किस तरह से किया जा रहा है। एनीवे दूसरा पक्ष है, तो हम लोगों ने ये देखा कि जो तीन बनते हैं वहाँ देखा जाए, यदि हम कैलकुलेट करके देखें तो पाया गया कि लगभग 3 ऐसे हिल थे, उस हिल के ऊपरी पोर्शन में शिवलिंग रहा होगा या शिव की कोई स्थान लिंग हो चाहे ना हो, जैसा हमने कहा कि मूर्त रूप भी है अमूर्त रूप है, यहाँ ऐसे कर दिए तो शिव यही है, इसको छू कर आपने समझा यही है, लिंग किया यही है, शिव का तो ऐसा वर्णन है। तो तीनों जब प्लॉट करके देखा और तब उनको ये किया कि क्या यात्रा चलती है, विगत 80 सालों में शिवानंद सरस्वती वो बड़े वाले नहीं यहाँ वाले करपात्री जी के शिष्य, और एक परिवार का बहुत बड़ा योगदान है उमाशंकर जी का,
जिन लोगों ने उस सारी यात्राओं को सर्वाइव किया, आज भी चल रही है। जो यात्राएं करीब 25-30 यात्राएं बंद हो चुकी थी, हम लोगों ने मैपिंग किया, स्वामी जी को कहा, मैं कई बार खुद पंडित बन के पुजारी पूजा किया कराया और आज लाइव हो चुकी है। जब हम लोगों ने उस तरह से किया, दो, एक तो अपना साइंटिफिक सर्वे, फिर उसको प्रिडिक्ट किया, तब पाया कि तो तीन ऐसे बन रहे हैं। ये तीनों पर ये कहा गया कि बिना गंगा स्नान के आप कोई भी क्रिया नहीं करेंगे, जो हम सब आज भी करते हैं। पहले तो गंगा स्नान करेंगे, चाहे घर में भी करें तो तुलसी डालेंगे, वो भी नहीं हुआ तो माला से छुआएंगे, होगा तो गंगा है, और तब हम शिव की ओर जाते हैं। तीनों को ऐसे पॉइंट कर लीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए और गंगा जी के पैरेलल लाइन खींच दीजिए, त्रिशूल से बन जाए। प्रैक्टिकली हम लोगों ने किया है, तो हुआ कि अरे इसको तो प्रतीक में ऑलरेडी बताया जा चुका है कि तीन ऐसे थे, और इस तरह से तीन खंड के तीन मुख लिंग के रूप में शिव का नाम। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, काशी ही नहीं, जहाँ भी और भी प्राचीन नगर हैं, जितने भी प्राचीन नगर हैं, साउथ का मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, नॉर्थ में हम लोगों ने 30 सालों से ये सब किया है, तो उसमें आप देखेंगे कोई भी शिवलिंग शिव नाम नहीं है। आप गौर से याद करें, किसी भी शिव का नाम नहीं, ईश्वर जुड़ा हुआ है, और जो भी जुड़ के शब्द बना हुआ है उसके पीछे एक कथा है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी पुराण में दिया हुआ है। जैसे मैं यहाँ का मजाकिया भानुशंकर मेहता जी के याद में दो आपको उसी बीच में छेपक सुना देता हूँ। वो कहा करते थे, मैं उनके चरणों में 25 साल अध्ययन किया, केदारनाथ व्यास जी के साथ कम से कम 25 साल अध्ययन किया, तो कहते थे भाई ये बहुत स्पेशल प्लेस है, तो जो यहाँ आएगा वो शुद्ध हो जाएगा। तो रावण भी आए, सारे चोर लुच्चे लफांगे कुल आए, सभी आए, सभी पूजा किए, लिंग के स्थापना, तो अपना वो छेपक अब जोड़ रहे हैं, कहीं है नहीं, ये भानुशंकर महता पुराण का अध्याय। तो कहे कि भाई हुआ ये कि जब यहाँ ऐसा हुआ कि जैसे रावण आए, तो उसी तरह से यहाँ जो है ईसा मसीह भी आए, वो भी बड़े परेशान थे, जो फिर से उनका हो गया लॉटेनर इंस्क्रिप्शन वाली जो क्रिया होती है, तो बड़े तम थे जो अब क्या करें, तो पता लगा काशी एक ऐसी जगह है, वहाँ जाओ, शिवलिंग की स्थापना करो, पूजा करो, तो हो जाएगा। हिंदी या संस्कृत में क्राइस्ट का क्या नाम है? ईशा नाम, मसीह तो मानने वाले का नाम, ईशा नाम आए स्थापित किए, इसलिए बना ईसा प्लस ईश्वर, और उसकी व्याख्या है यजुर्वेद से, ई चरेत इत ईश्वर, ई मीन्स कॉस्मस, चरेत मीन्स स्पाइरल मून, जो इसको कर रहा है इसीलिए उनका नाम तांडव या इस नृत्य में है। एकमात्र ईश्वर शब्द केवल शिव के लिए, बाद में किसी के साथ भले हुआ और किसी के साथ, तो आए तो ईसा आए, लिंग स्थापित किए, और उसके बाद जो है तो उनके नाम से होगा ईसा प्लस ईश्वर, ईसानेश्वर, याद है ना किसके पुराण से है ये, तो ये याद, इसको आप पुराण की सुनते सब छोड़िएगा, ये उनका पुराण है, इसीलिए मैंने कहा ये भानुशंकर मेहता पुराण का है। लेकिन इसकी एक खासियत है, रियली वो लिंग है और रियली प्राचीन है, और रियली ईशा शब्द जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्रकाश से जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा है, तो उसको जोड़कर भानुशंकर जी बना दिए। हाँ, कश्मीर से लौटते समय ऐसे प्रकाश पाते हो, कुछ भी कर देते थे लोग, कहते वाह 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 वाह, ये काशी परंपरा। ठीक, अब उसी तरह से आप सबको जोड़िए, रावण भी आया तो रावणेश्वर हो गए, किसी महा माने किसी ऐसे राक्षस का नाम लीजिए, बोलिए महापदमाश राक्षस बताइए, कुंभकर्ण, अंधकासुर, तो यहाँ अंधकासुरेश्वर लिंग है, कोई नाम लीजिए मैं आपको बता दूंगा, और हमारी कैटलॉग यहाँ है, आप देख लीजिएगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये कहाँ है कैसे है, सब साहित्य में दिया हुआ है, किसी का भी नाम लीजिए, सुम्भ हो निसुम्भ हो, अंधकासुर है, दुष्टासुर, सापासुर, कछुआसुर, जो भी सुर बोले पूरा सबको यहाँ शुद्ध होना था, शिव में मिलना था, और ये संख्या इस तरह चलती है। तो पहले जहाँ से हम दीवदास से शुरू करते हैं, फिर हम तीन खंडों की बात करते हैं, तीनों खंड को जोड़कर फिर पहले अलग अलग यात्रा सीधी, सबके बाहर जो है स्पेशल नंबर है। जनरली हम ये समझते हैं कि ये नंबर ऐसे ही आ गए, नहीं ऐसा नहीं, मुझे याद नहीं है जो कौन कहा था कि मैं न्यूरोलॉजी का हूँ, कोई बात कर रहा था हमसे यार
उसी तरह से आप कल्पना कीजिए कि कैसे ये लिंग बढ़ते चले गए होंगे। तो एक तो हुए ये प्राचीन हुए, दूसरा हुआ इस पर इन्होंने जिसे हम कहते हैं टेरिटोरियल एक्सपेंशन इंग्लिश में, कि खास टेरिटरी को स्पिरिचुअल मैग्नेटिक फोर्स से ऐसे सिद्ध किया। तो हम ये बात कर रहे थे पहले युग, दूसरा युग सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा कौन युग है? त्रेता युग। त्रेता एक अद्भुत अनपैरेलल प्योर विज्ञान पर आधारित है, मॉडर्न फिजिक्स पर आधारित है। उसमें वर्णन ये चलता है त्रेता किसका युग है? राम जी का युग है। अब देखिए एक ओर शैविज्म है, दूसरी ओर राम का चल रहा करता, तो ऐसा नहीं है कि अलगाव है, नहीं अलगाव हम लोग बताते हैं, ऐसा नहीं। उसकी जो सबसे अद्भुत चीज है तो उसमें ये वर्णन आता है कि ये इसका केंद्र है और यहां से आप ऐसे जाएंगे जिसको हम 84 कोशी यात्रा करते हैं। तो यदि अब उस पर हम जाए तब जो क्षेत्र बनेगा वो प्रकाश से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका नाम हुआ काशी। काशी के कई व्याख्याएं हो सकती हैं, आर्कोलॉजी में हो अपनी हो सकती है, या फिर हम लोगों ने इसको दूसरे रूप में लिया, एक अंश लिया काश्य इति काशी, जहां कॉस्मिक लाइट ऐसे बैठ जाए वो काशी। तो उस श्लोक को पढ़ के देखिए जिसको हम लोगों ने डी कोड किया है, तो दो चीज चाहिए, सर्किल खींचे आप एग्जैक्ट ऐसे सर्किल खींचना है। क्या चाहिए आपको? दो चीज, केंद्र एक चाहिए और फिर रेडियस चाहिए, तभी ऊपर बनेगी। अब यहां समस्या थी कैसे देखें, पढ़ना शुरू किया काशी खंड जिसको आप कहते हैं, काशी खंड मैंने इसको अदरवाइज मत लीजिए, मैं पहले ही हाथ जोड़ के कह चुका हूँ कि उसको विरोधाभास में मत लीजिएगा, हमने जो समझा हुआ है आपसे कह रहा हूँ। काशी खंड को ये कहना कि कब का है और कितना करप्ट है कितना सही है बहुत कठिन काम है। मैं जो ऑक्सफोर्ड टीम में काम किया हूँ 12-14 साल तक, अभी तक 3 ही मालूम छपा है, 2 छपने के पहले 2 जने तो मरी गए और 3 जने रिटायर होकर घर चले, 3 अभी 2 बाकी है, इसका पुराना हुआ ही नहीं, ठीक है। एक एक चीज को उन लोगों ने टेस्ट किया, तो उसका फायदा यह निकला कि उन लोगों ने फील्ड वर्क किया और फील्ड से फिर जोड़ने के हुआ, तो पहली बात यह आई कि हर शब्द में एक अर्थ नहीं था। जैसे अभी ईशा से जोड़ लिया तो भानु शंकर जी ने जोड़ दिया, लेकिन वो कोड हटा दीजिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण पूर्व में लाइट होके जो आई जो हमारे पूरे भारतवर्ष में बैठती है, तो वही बात फिर बैठी मध्यमेश्वर, जो मध्य में है, उनका किसी से नाम नहीं है, केंद्र पर है, केंद्रीय भूत है मध्य ईश्वर। तो मिल गया तो आप कैसे कहें कि मध्यमेश्वर सही है? इतिहासकार लोग कहेंगे या जो इसके करीब लोग हैं कहेंगे कि ये तो नहीं, 2020 में ऐसा था, 3000 में ऐसा था, ठीक है होगा, हमारी सीधे फील्ड नहीं है। हम लोगों ने एक हाइपोथेसिस परिकल्पना किया कि जहां पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटी अधिक हो, जो हम लेजर बीम से कर रहे हैं, तो हम ये मानेंगे ये इतना अधिक प्राचीन। ये एक परिकल्पना थी जो 100% प्रूफ। जब उस क्षेत्र का हम लोगों ने सर्वे किया, वहां पहुंचे तो सबसे अधिक ग्रेविटी का वहां पर जोन आया, सबसे अधिक रेडिएशन का असर आने लगा। हम लोगों ने मान लिया मध्यमेश्वर तो आई है, अब मध्यमेश्वर इसका नाम। अब था कहां से शुरू कर, रेडियस कैसे नापे? तो रेडियस शब्द के लिए जो प्राचीन शब्द प्रयोग होता है वो है दिल्ली, जिसको आप दिल्ली विनायक कह रहे हैं, और ये दिल्ली जो कह रहे हैं दिल्ली, ये शब्द करप्टेड है, ओरिजिनल नाम दिल्ली। दिल्ली का मतलब होता है एक किसी भी ब्रह्मांड में जहां से घुसे ही नहीं, उसको दिल्ली कह रहे हैं। अब भी जब पुराने घरों में बातचीत करते हैं तो कहें दिल्ली में गए थे क्या, आज भी कहते हैं आप जैसे इसके आचार्य बैठे हुए हैं भोजपुरी में, उसको कई शुरू करें दिल्ली कहते हैं। तो दिल्ली का अर्थ केवल दूसरा नहीं होता, केवल मेन गेट नहीं होता है, उस पूरे ब्रह्मांड में वो आप कैसे जा रहे हैं, ये उसका रूप था। जो ही ये शब्द मिला, जिनके साथ मैं काम किया हूँ, ये मेरा कोई काम नहीं, जो मैं कह रहा हूँ सबका काम है, हम जो कह रहे हैं जैसा कहा गया, हम कुछ नहीं है, हम असिस्टेंट के तौर पर काम किए प्रोजेक्ट्स में और उसे देखा। जॉन की मार्बल जो फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट रहे हैं और हमारे यहाँ सुदर्शन जी का नाम आप सुने होंगे, इन लोगों के साथ काम किए हैं, स्पेस प्रोग्राम में 2-3 बार आके इंडिया गवर्नमेंट को सलाह भी दे चुके हैं, क्योंकि 5-6 साल प्रोजेक्ट यहाँ रही है जिसमें मैं असिस्टेंट था, हम लोग फिर साथ किए, मैं इनको गुरु मानता हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत सिंपल है भाई, इफ दिस इज द मीनिंग देन वेयर इज दिल्ली, वेयर इज गणेश दिल्ली, हम लोग तो दिल्ली विनायक खाइए, तो कहा सिंपल देन गो,
मधमेश्वर में माइक्रोचिप लगाया, फिर गए वहां चिप लगाया, अपना रेडिएशन का वेव थ्रो किया, एग्जैक्ट आपको मिल गया पंच क्रोशर, सर्किल ड्रा कर दिया। आज आपके पास गूगल और सब कुछ अवेलेबल है, मैं बात कर रहा हूँ 93-94 के, उस समय आपका गूगल नहीं था, मेजरमेंट नहीं थी, मशीनें भी बात नहीं थी, अब बहुत जगह हो, अब तो आपके घड़ी में भी आ गया है जैसे चाहे दबा दें। एनी वे, जब फिर तब स्कूटर पर चढ़ के, आज भी मेरी वो स्कूटर है जिसका नाम चेतक है, मैं चेतक पर चढ़ता हूँ। हाँ, तो उसको लोग कहते हैं क्यों नहीं बेचे, सड़ गई है, पड़ी है, तो हमने कहा भाई ऐसा है कि इसी में मेरी याद छिपी हुई है, तो जब मरेंगे तो उसी से हमारा दाह कर देना चाहिए। ये मैं इसलिए कहा कि फील्ड स्टडी में कैसे हम जोड़ते हैं। फिर जब हम लोग गए वहां पर, पूरी यात्रा किया उस स्कूटर पर, पीछे साइंटिस्ट हम इंस्ट्रूमेंट कुल टांगे हुए चले जा रहे हैं, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला जो एक्यूरेट ना हो। 256 गॉडेसेस जिसका वर्णन चलता है कि 96 देवियों का जिक्र अब किसी किसी रूप में एग्जैक्ट वो परिध पर ही है, और जिसको 95 में वर्ल्ड आर्कियोलॉजी कांग्रेस में प्रेजेंट किया गया, सभी लोगों ने हुटिंग किया प्रेजेंट जब किया जा रहा था, और वहां हम लोग के गुरु माने आदि गुरु प्रोफेसर नारायण साहब मौजूद थे जो चेयर कर रहे थे। उन्होंने एक लाइन सुभाष जी केवल कहा कि ये मेरा बच्चा है, पहले चुपचाप सुनो, बिना सुने बीचे में लगे अल्लाह कर, चुप बनारसी में बोले, आदि गुरु माने जाते थे, काशी की महान विभूति थे, सब लोग चुप हो गए, कहे बेटा जल्दी इसको छापो, नहीं तो ये सब मानेंगे, नहीं तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। एनीवे, ये मैंने कहा क्या क्या आप मुझे, जब वो आया छप के तो एकदम एग्जैक्ट ही आए, ये दूसरा था लेवल जो पता चला। अब इसके बीच में जहां जहां वो लिंक की बातें आती हैं, हम लोगों ने उसको प्लॉट किया, तो इससे पता चला कि उस ब्रह्मांडीय ज्ञान को ऋषियों ने अपने कोड में लिख करके एक माइथोलॉजी बना दी। तीसरा जो है प्रूफ नहीं हो सकता, क्योंकि बनारसी जानते हैं कब हल्ला कर देंगे, अभी आप बैठे हैं कब ताली बजा के क्या शुरू कर देंगे कोई जानता नहीं। हम लोग सर्वे कर रहे थे, हल्ला कर दिया सब सीआईए के एजेंट है, मुर्दी चोर है, मार सारे कमिश्नर हमारे अजीज दोस्त एक तरह से छोटे भाई समान थे, मनोज कुमार बग्गा साहब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे जो डीएम थे, ये बग्गा साहब जो बाद में कमिश्नर होकर गए चोर है डीएम थे, हम तो तुरंत क्या कि सब घेर लिया है, बचाओ हमको, सब कहा लेकिन चोर है, मूर्ति चोर आ रहा है, विश्वास मंदिर में फकीर मार है, और मारपीट शुरू हो गई, दो चार जूता हम लोग खा पी लिए। मनोज कुमार जी ने एक लाइन कहा कि ये बनारस है, कौनो कमिश्नर काम ना करी भैया भाग। तो ये मैं कथा इसलिए आपको कहा कि उसके बाद पुनः हम लोग वो सर्वे नहीं कर सके, लेकिन उसको ट्रिग्नोमेट्री में ज्योमेट्री में कुछ मेथड है जो स्पेकुलेशन कर सकते, जिसमें लगभग 30% तक मिस्टेक हो सकती है। तो दूर पर एक मैग्नेटिक का सेंटर हमने कायम करके वहां से रेंज छोड़ करके एंगल फिर नापा, काफी हद तक वो सहाया है, क्योंकि तीसरे काल द्वापर में जो वर्णन होता है कि काशी रथ में थी, और उस रथ में घोड़े, दो घोड़े लगे हैं, उनके चार चार पाव हो गए, उनके सिर सब पर शिवलिंग की बात है जो हमारे में छपा हुआ है, हम लोगों ने उसी काल में इसको छापा, फिर और भी व्याख्याएं की गई। जो सबसे अद्भुत बात एक और आई, ये कल्पना कीजिए लिखी गई है अकबर के काल में, लगभग जो है 1580-90 जो कहिए 1556 से 1605-10 उनके काल है अकबर के, उस काल की रचना है ब्रह्मवैवर्त पुराण जिसका काशी रहस्य एक पाठ, उसमें ये कहता है कि कलयुग में ऐसी हो जाएगी, कैसी होगी, शंख रूपे ये शब्द, तो ठीक है भाई शंख बनाओ, और जो ये आप देख रहे हैं यहाँ बनारस इंस्टीट्यूट का उनका जो मैप है उस पर हम लोग एक शंख की आकृति करके ऐसे डाल दिया, 80% करेक्ट है। जिस शिवलिंग की बात वहां कही जा रही है कि ये भविष्य में होगी वो हुई। अब यहाँ दो सवाल होता है, यदि आप वेस्टर्न क्रिटिक के रूप में आप देख रहे हैं तो कहेंगे सब बकवास है, बनारसी स्टाइल कहीं के कोई चीज बैठा दो सब फिट है, यही करते हैं, पूछो करो सब ठीक है, इस शिव की नगरी है। हम लोगों ने वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की कोशिश की, क्योंकि जब तीन जगह ये बातें इतनी सही है तो वहां क्या है, एक कंक्लूजन निकाला है, वैलिड है कि नहीं ये छोड़ दीजिए। तो किम मालविन का ये कहना है कि उस समय कोई एक ऐसी विधा थी जिसे आप ऋषि कहते हैं, कोई ऋषि थे नहीं, ये सभी उस काल के महान साइंटिस्ट थे,
बस एक ही उनमें दोष था, वो डिफरेंट कोड में लिखते थे जो आप डिकोड कर ही नहीं पा रहे। जितना किए तो आप सफल हो गए, नहीं किए तो कह रहे सुपरस्टिशन। अब जब बैठाया जेम्स प्रिंसेप का मैप, तो वो सारे चीज उसी तरह से आप कभी भी मैप पे देखेंगे, स्लाइड से देखेंगे, यहाँ है यहाँ देख सकते हैं, तो वो चीज बैठ गई। तो इससे एक रूप ये पता चला कि जो बहुत लेट रचना है, 16वीं शताब्दी की रचना है, उस समय भी इस तरह के आयामों को विकसित करके किया गया था। तो यह रहा एक पक्ष। दूसरे अब यात्राओं पर हम आते हैं। यहाँ कुछ बात हो तो बोल दीजिए, क्योंकि अंत में प्रश्न का नहीं, आप बीच में अल्लाह करते रहे, नहीं तो हम तो बहुत अच्छे बोलते नहीं, कर ले सर, अच्छा कर ले, ना बीच में जैसी इनकी आज्ञा हो कि आज के गणेश यही है तो बिना बिना के नहीं होगा। हाँ वो आ रहे हैं, वो पिछला क्वेश्चन आपने उठा दिया, अनंत में चले। अब जो हम आते हैं, ये दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जो काशी के, जैसे हमने शुरू में कहा कि अभी एक प्रतिमान प्रतीक के रूप में कहा कि दिस इज द ओनली सिटी ऑन दिस अर्थ एंड हेल, क्या बकवास कर रहे हो? हमने कहा भाई सेंटेंस पूरा नहीं, बीच में टपक पड़े क्या? सेंटेंस तो पूरा कर ले तो यार। तो कहा क्या है? हमने कहा वंस यू एंजॉय हेल देन यू कैन एंजॉय हेवन एनीवेयर, दिस इज काशी। है या नहीं? हमने ये कभी आज के जाम में देख रहे हैं। मैं इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में बहुत डिटेल काम किया हूँ, MIT के सर, MIT माने मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट नहीं कि अच्छा बिहारी बात किया तो बिहारी वाला मत समझिएगा, मैं मैसाचुसेट्स से कर रहा हूँ। तो उसमें हम लोगों ने एक साइकोलॉजिकल टेस्ट किया था 80s के एंड में, कई दिनों तक चला, थैंक्स टू माई ऑल स्टूडेंट्स, MSc स्टूडेंट्स, स्पेशली बंगाली गर्ल्स। उन्होंने कहा सर आप तो ऐसी बात ही कर रहे हैं, कैसे होगा? हमने कहा संडे, दो तीन संडे तुम लोग चलो होटल है दुनिया, मेरे पास पैसे नहीं, अपना अपना खाना पीना कहीं चाय पिला देंगे। बट दैट बिकेम समथिंग ग्रेट थिंग। उससे ये पता ये एक बात ये चली कि कैसे ये सारी चीज़ें जो है डिफरेंट कोड में लगी हुई थी। छोड़ दीजिए उस एस्पेक्ट को, हम छोड़ो केवल एक आपको प्रसंग बस बताए। तो ये कहा जाता है आखिर काहे लिए मशहूर है, तो दोनों के लिए मशहूर। जैसे भांग खा ले तो पूछे जो नशा चढ़ा ना, कहा नहीं तो अरे तो माई बहन के सुना दिए और कहे अरे शिव के प्रसाद है भांग मारे चार थप्पड़। अभी हमारा एक प्रसंग किसी ने टेप किया, हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारी जो जो गाली भी हम बके सब छाप दिए तो पूछे आप कैसा फील कर रहे हैं, हमको बड़ा मजा आ रहा अभी निकला है और हर दिन एक पसंद दे रहे हैं, अब हमारा भी किसी दिन गाली गलौज छपवा के देंगे यूट्यूब पर, यूट्यूब चलता है नहीं। जो दूसरी तो यह एक पक्ष आपको हमने बताया कि किस तरह साइंटिफिज्म के जरिए हम लोग, दूसरा एक अद्भुत पक्ष है। आपको यह पता होगा कि यह शहर प्राचीन नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। सबसे प्राचीन नगर की बात जो होती है अपने देश में कौन है बोलिए? बहुत बात करो 200 साल के बाद है। ये हमारी इमोशनलिटी जो बोलते हैं, सबसे पहले है प्रयाग, जिसको तीर्थराज ऋग्वेद की ऋषाओं में पूरा है, कहीं काशी सीधे वर्णन नहीं है, ठीक है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि उस रूप में देखेंगे तो कई चीज होगा कि काशी में फिर ऐसा क्यों हुआ। तो एक अद्भुत यहां चीज हुई जो शायद दुनिया में जो और हमारे गुरु लोग हैं या परंपरा है, लोग कहते हैं भाई कहीं ऐसा नहीं। जो प्राचीन काल में जिस तरह की यात्राओं का वर्णन चलता है, लाख जुड़ने और चेंज के बाद भी ओरिजिनल चीज जो के त्यों वही है, ऊपर बिल्डिंग बदल गई लेकिन लिंग वही है, देव वही है, विधि वही चल रही है, भले वो शार्ट हो गई है। अब देखा जाए कितनी यात्राएं होती है और शिव वहां कहां। तो एक प्रयास किया गया, हम लोग लगभग अंदाज लगा सकते हैं कि लगभग 3000 ऐसे शिवलिंग हैं जिनको हम ऐतिहासिक कह सकते हैं। अब दो तरह से नाप रहे हैं, एक हम प्योर साइंटिफिक लेवल पर नापे स्कंद पुराण को, ये वाले स्कंद पुराण है जो बाजार में बनो या नहीं अवेलेबल है, माफ कीजिए अभी दो पार्ट निकला खोरनिंगन ऑक्सफोर्ड सीरीज में, या नहीं इनके भी दुकान में नहीं है मुझे पता है, क्योंकि उसका दाम 145 यूरो है तो कोई लेगा ही नहीं तो काय को रखेंगे।
हमारे पास साहब मैं उसमें काम किया हूँ एनी में। तो उसमें एक रूप समझ में ये आया कि जितने भी उन्होंने पॉइंट जिस तरह रिफर किया प्लॉट किया जाए तो सभी के सब्जी अलाइव है जो हम लोगों ने यात्रा किया सभी अलाइव है। अब आप 50 लोग जाते हो या 100 लोग जाते हैं वो डिफरेंट नहीं जाते हैं और उस तरह यात्रा हो रही है। तो कुल कितनी यात्रा है हम लोगों ने पाया कि सबको जोड़ दिया जाए तो 52 यात्राएं मुख्य रूप से दो चार छोटी और भी हो सकती है जिसको आप कह नहीं सकते। 52 में भी कुछ ऐसी हैं जो विशेष तरह के जिसको हम न्यूमेरिकल सिंबलिज्म कहते हैं माने क्या कहेंगे ये नंबर के आधार पर पूरी व्याख्या की जाए जैसे 3 तो 3 लोक हो गए 4 दिशा हो गए 8 दिशाओं पर हो गए 9 ग्रह हो गए एंड समथिंग लाइक दैट। तो उसको हमने ये कोशिश किया हम लोगों ने कि इसको प्लॉट किया जाए देखा जाए और टेक्स्ट से उसको जोड़ा जाए। तो इस हिसाब से मैं कुछ यात्राओं का नाम आपको बताता हूँ। एक जो था लगभग समाप्त हो गया था 84 कोशी यात्रा जो अद्भुत थी और हम लोग प्रयास कर रहे हैं यूनेस्को के तक लोग आ गए लेकिन काशी वाले नहीं। काशी वाले तो जानते हैं पान खाए मजा भी ठीक हो गया तो कहें अरे तो पहले ही हम जानते रहने दुखा बताइए काहे नहीं कहले अरे वो शिव करिए हम क्या करिए शिव ना कहना हम ना करें हर का उनके पास जवाब है तो वो भी एक अपनी विधा है। एनीवे तो 84 कोशी यात्रा जो अब पार्टली सर्वाइव की है विगत 10 सालों के भीतर उसके पहले हम लोग बहुत तलाश किए कोई एक आदमी ऐसा हो जो सही बोल के कहे कि हमने यात्रा किया। तो जो बहकाने वाली स्टाइल है जब सब चीज रिकॉर्ड और सब चीज टेस्ट करने लगे क्या आप ना बोलो लेकिन उस ग्रुप को जिसका मैंने शुरू में नाम लिया उमा शंकर शिवानंद जी के 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन ये ग्रुप चल रहा है इन्होंने पार्टली जो है सैटरडे संडे जोड़ के कार से जा करके उसको जोड़कर पूरी 84 कोटि यात्रा लाइव कर दिया विश्व में कहीं नहीं एग्जैक्ट वो सर्किल पर जाती है 96 उस पर देवियां हैं अभी वो पूरे प्रयोग में नहीं आई है लेकिन रिवाइव हो चुकी है। हम लोगों का अपना समझना है कि 12वीं शताब्दी में जब ये आक्रमण और ये सब हुए वो समाप्त हो उसके बाद किसी ने प्रयास नहीं किया क्योंकि वो 11 दिन की यात्रा चलती है ये संभव ही नहीं है कि 11 दिन किया जा सके आज के समय। तो ये इसलिए मैंने कहा कि उसको छोड़कर जो मुख्य यात्राएं हैं वहां कहां शिव यात्रा में बात की बता रहा हूँ। दूसरी है पंचकोशी यात्रा जो उसके बाद आती है उसका संक्षिप्त रूप है। पहले ये था कि पंचकोश है कितना जैसे कोई बताए कितना है पंचकोश एग्जैक्ट है 25 कोश हाँ 5×5 हो गया ठीक है बिल्कुल सही आपने बताया। जनरली हम लोग कंफ्यूज थे कि पंचकोशीय मतलब 5 कोश 5 भाग में विभक्त है गुणा करके देखिए कोड में तो 25 कोश हो गया 88.6 किलोमीटर एग्जैक्ट है। और सभी हम लोग जो नापा कहाँ कहाँ केंद्र और वास है लगभग 1 आध मीटर को छोड़कर सभी करेक्ट है ज्योमेट्रिकल टर्म। अब उस पर यह प्रश्न था कि ये यात्रा का क्या अर्थ है इसके क्या संदर्भ है तो इसके पहले हम कुछ बताएं एक बात आपको बताएं दुनिया में 3 ऐसी यात्राएं हैं जो विश्व स्तर पर डिस्कस की जाती हैं जो सबसे अधिक एडवांस है वो है सेंटियागो डी कंपोस्टेला जिसके कुछ पार्ट किए हुए अलवोरो जी शायद किए हैं कुछ किए हैं अलवोरो जी किए नहीं तो आप क्या काशी का उद्धार करेंगे करिए करिए हम लंगड़ हैं तो क्या हुआ हम किए हैं थोड़ा बहुत लंगड़ गुरु सब जगह घूमते रहते हैं बड़े पैर वाले घूमते नहीं है। एनीवे ये चलती है फ्रांस में स्पेन को जोड़ करके और लगभग 2100 किलोमीटर है और उसको 1 हफ्ता से लेकर 3 महीने तक की यात्रा चलती है अद्भुत कहीं भी कोई करप्शन नहीं कहीं भी कोई गैप नहीं सब जगह एकदम वेल बैलेंस सभी लोग 99% लोग एक ड्रेस में वही छड़ी उसी तरह का घूम रहे सभी लोग चले जा रहे हैं। और जब आप पूरी यात्रा करके आते हैं तो बिशप और उससे जो आपका स्वागत होता है सैंटियागो डी कंपोस्टेला में सोने के थालियों और इस तरह स्वागत किया जाता है ये परंपरा 11वीं शताब्दी से चल आज उन लोगों ने उसको पिलग्रिमेज और स्पेशल टूरिज्म में ऐसा ढाल दिया कि स्पेशल फ्लाइट तक अरेंज किया और अद्भुत हो यात्रा है। ठीक दूसरी यात्रा जो चलती है वो जापान में चलती है जिसको शिकोकु कहते हैं। शिकोकु की यात्रा लगभग 1800 किलोमीटर चलती है वो भी उसी तरह से है और जापानियों ने उसको एक ऐसा मॉडल खड़ा किया है
कि स्पिरिचुअलिटी को कैसे हम आज के दुनिया में जोड़ दें, उसका अद्भुत रूप दिया है। अब तीसरी जो यात्रा है जो आज भी है सर्वाइव करती है, वो आपकी काशी की पंचकोशी यात्रा। इसलिए मैं उन दोनों यात्राओं को भूमिका दिया कि विदेशियों ने जो लिखा है कि भारत में इसको क्यों नहीं कुछ किया जाता। तो अभी आप पढ़े होंगे अखबार में कि रोड कहाँ टूट गया है, क्या हो गया, गिर गए तो कौन हुआ, क्या हुआ, तो जल्दी जल्दी बना दो क्योंकि शिवरात पर चलने वाले हैं। अब शिवरात के दो दिन बाद सब उखड़ जाएगा, ऐसा बनाएंगे शिवरात के दो दिन बाद उखड़ जाएगा। एनीवे लीव दैट एस्पेक्ट, मेन उसकी क्या चीज है। तो वो शुरू होती है जहां से मणिकर्णिका पर शुरू होती है। मणिकर्णिकेश्वर का पहला स्थान होता है, पहले आप पंचदेवों का संकल्प लेंगे विश्वनाथ मंदिर में, पंचदेवों का जो है यहाँ पर, उसके बाद जो है मणिकर्णिका पर जाएंगे संकल्प लेंगे और पहला शुरू होगा मणिकर्णिकेश्वर, तो दो तलने नीचे गए। इसमें से कितने लोगों ने संघर्ष पिक्चर देखी है दिलीप कुमार की, याद है मेरे घंघरू बधा दे और क्या कर दे दे चाल देखने, 1933 के एक नावल पर महाश्वेता देवी के। इसलिए मैंने कहा कि उस मंदिर के प्रसंग में पहले काशी करवट में क्या धंधा होता था उस पर कुछ आधारित है, तो आपको याद के एनीवे। और फिर वहां से एक क्रम में चलेगी, जैसे आप जब दुर्गा जी पर पहुंचते हैं तो 23 नंबर पर है, और इस तरह से पूरी यात्रा जो घूम के आएगी ठीक 108। तो ये बहुत बड़ा ये प्रयास था मनीषियों का कि जो आप स्पेस एंड टाइम, इसी में सब चीज है। फिजिक्स के आचार्य यहाँ बैठे हुए हैं, एकदम ऐसे कर रहे हैं, कोई गड़बड़ होगा तो सुधारिए, नहीं तो शिव भक्त हैं कुछ अंड बंड बोल जाएंगे, तो फिजिक्स वाले की ड्यूटी है कि सुधारे। एनीवे तो अब एक नंबर जरा सा आप सभी जानते होंगे, लेकिन अनुभव से मैं कहना चाहूँगा यह सबसे वैज्ञानिक नंबर है, और अभी तक जो साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं उसमें मान्यता ये है कि सबसे पहले भारतीय मनुष्यों ने ही 108 का इजाद किया। 108 लगभग सभी प्राचीन धर्मों में, चाहे जो भी धर्म आप माने, अर्लियर आप कुरान भी पढ़ेंगे तो वहां भी है, जनवस्था पढ़ेंगे तो वहां भी है, ताओइज्म पढ़ेंगे तो वहां भी है 108, सभी जगह है। लेकिन सबसे पहले यदि आपकी डेटिंग को देखें और उसको प्लॉट करें तो एक अद्भुत है। क्या है? स्पेस एंड टाइम का डिविजन है, तो गुणा करके देखिए। जैसे हम टाइम को कहते हैं तो अपने जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हम किस तरह अपने सीजन को व्यक्त करते हैं, बोलिए, खट ऋतु, ये कहते हैं छह ऋतु हमारी होती है, छओ का ही ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, चढ़ेगी उतरेगी, गुणा कर दीजिए, छह गुणे दो 12 हो गए, ये 12 मंथ है। सबसे पहले यजुर्वेद में क्लियर कट कहीं भी इंटरप्रिटेशन की कोई जरूरत नहीं है, खोल के देख लीजिए टाइम कैलकुलेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब स्पेस का कैलकुलेशन देखिए, दिशाएं कितनी होंगी, मूल चार, चारों के बीच की दिशा होंगी, जैसे चक्र के रूप में लेंगे तो 4 + 4 कितना हुआ, कैसे घूमेगा ये, ऐसे हुआ चार, एकदम फिक्स है ना, तो केंद्र नहीं होगा तो ये तो जुड़ ही नहीं सकता, जोड़ लीजिए 4 + 4 + 1 कितना होगा, 9, 9 ही देवियां होती हैं, 9 ही नवग्रह होते हैं, और उसी 9 से ये स्पेस का सूचक है 9, जो सबसे पहले भारतीय ऋषियों ने 9 नंबर को स्पेस का सूचक बताया, और 12 को टाइम का दर दोनों गुणा कर दीजिए, 12 × 9 कितना होगा, कैलकुलेशन की नहीं करनी है, बिना कैलकुलेटर के बताइए कितना होगा, बोलिए माला ये कितने की होती है, क्या मतलब हुआ इसे करने का, बाद वाला है, हाँ रामानंद जी वाला है, बाद में बताएंगे क्या मतलब हुआ, जरा बताइए। प्योर वैज्ञानिक विधा है, आप सुमेर से शुरू करते हैं, ऐसे काउंट करते हैं, जिसका भी नाम लेना हो ले लीजिए, आप टेक्स्ट जरा पढ़िए, जैसे मत्स्य पुराण का मैं एक प्रसंग बता रहा हूँ, वो कहता है इससे कोई मतलब ही नहीं है किसका आप ले रहे हैं, क्योंकि सभी तो शिव रूप है, सभी ब्रह्म के, हमने कहा सुभाष जी हमारे लिए है, तो कैसे होगा, तो मंत्र कैसे पढ़े, सुभाष तो आदमी है नहीं, अब इनको उस रूप में ढालना है, बड़े सिंपल तरीका दिया है हमारे ऋषियों ने, ओम सुभाषाय हो गया, अब वो पूर्ण हो गया कि इनके रूप में मैंने देखा। अब जब आप ऐसे काउंट किए 108 जब आपने किया, तो स्पेस टाइम के अनुसार एक साल के लिए ये पूरी आपकी आत्मा बॉडी थॉट घूम गया, ये 108, इस तरह से 108 नाम हुए शिव।
जो हम ब्रह्म वैवर्त पुराण में और काशी रहस्य में पाते हैं कि शिव के इस रूप में 108 और चूंकि वो त्रिलोकीनाथ हैं तो कहाँ रहेंगे वो, तीनों लोक के हैं स्वामी, तो 3 से गुणा कर दीजिए, आएगा कि नहीं, बिना कैलकुलेटर बोलिए, 108 × 3 कितना होगा, एग्जैक्ट 324 ही एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन से यहाँ शिव के रूप और सभी का नाम दिया हुआ है। हम लोगों ने कटवा के छापा हुआ है और गुरु जी ने छापा है, महावीर की पुस्तक में दिया हुआ है। अब जरा एक और सवाल आप बता दीजिए, तब मैं आगे वो दूसरा यात्रा बताऊं। क्या शिव अपने कुछ भी कर सकते हैं या नहीं? शिव ये तो हो गया सबसे बड़े वही है, तो क्या अपने कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिना शक्ति के कर ही नहीं सकते। तो अब बतलाइए कितनी देवियां होंगी? ना ठीक वही होगी, एग्जैक्ट होंगी 324 ही होंगी। पूरी लिस्ट जो है काशीखंड में दी हुई और सबका वर्णन दिया है, जिसको पूरा का पूरा हम लोगों ने कैटलॉग छापा है प्लाट करके। अब कालांतर में हुआ ये जो आपने 96 किया वो भी सही है, कालांतर में हुआ यह कि बहुत सारी इसमें से लॉस कर गई और एक ही देवी को दूसरी यात्रा में दूसरे नाम से दूसरे संकल्प से किया गया। कुल रियल एग्जिस्ट करती है 96, लेकिन आप काउंट करके जब यात्रा करेंगे तो हो जाएगी 324। ये भी बात हम लोगों ने करके की, तो ये हमने आपको बताया एक उदाहरण केवल पंचकोशी यात्रा से कितने होते हैं। उस पर 8 गणेश है, 8 दिशा के लिए 8 गणेश है, 4 उस पर भैरव है जो चारों दिशा को ऐसे कंट्रोल करेंगे। तो आपको लग रहा है कि ऐसे ही यात्रा चल रही, नहीं, हम भी पंडा बन के कराते हैं, लेकिन आपका नहीं कराते हैं, हम बड़े बड़े साइंटिस्ट का कराते हैं जो अपना कुल मशीन लेके आओ और पहले संकल्प करेंगे कि धर्म मेरा नहीं मानना है। कभी भी आप मन में नहीं सोचिए कि मैं आज हिंदू आपको चल रहा हूँ ये करने, जो क्रिश्चियनिटी में हो रहा है वो मेरा धंधा नहीं है। आप जिसको मानना हो मान लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। इन चीजों को इन बिंदुओं पर चल के मेजर करके जरा देखिए तो रहस्य क्या है। 200 बार मैं एक कर खुला चुका हूँ और एक अद्भुत है चीज जो शायद भारत में कहीं नहीं है। यूनेस्को इसको चाहता है कि हाईलाइट करें, जिसका एग्जाम्पल है कल्चरल एस्ट्रोनॉमी एंड पिलग्रिम साइट्स का, दुनिया में इससे बेटर कोई नमूना नहीं है। ये है आपकी पंचकोशी यात्रा और इसका सबसे अधिक श्रेय जाता है उस आदमी का जिसको पता नहीं कितने लोग जानते हैं, वो भिखारी की तरह दर दर ठोकरे खा के काशी का सबसे बड़ा पंडित सबसे बड़ा ज्ञानी भिखारी की तरह तड़प के मर रहा है, केदारनाथ व्यास जी, जिनके बिल्डिंग गिरने के बाद यही कोई नहीं जानता। एक ऐसा भी आदमी हुआ इतिहास में जो पढ़ा नहीं है, केवल नाना जी से आशीर्वाद लेके, कोई भी यहाँ का मंदिर नहीं जिसका मकान नंबर वो ना बता दे, कोई भी मंदिर नहीं जो गलत हो सके। मैंने 22 साल तक उसके चरणों में अध्ययन किया, तब हम लोग ने ये कर दिया। हो सकता चले गए, नहीं नहीं आप कंफ्यूज मत होइए, आप दूसरा चरण शुक्र जी की बात कर रहे हैं, केदारनाथ व्यास कल वक्तव्य निकला है कि इस तरह बुरी हालत में आकर आप वही मकान जो तोड़ कर गिरा व्यास वाले वाले। हाँ ठीक, तो एक मैं आपको ऐसे भाई उदाहरण दिया। अब दूसरा चलता है तो बाहर से चल रहे हैं, पूरा ऐसे सर्किल जो हुआ 84 कोशी यात्रा वो ऐसे रिड्यूस हुई, 256 किलोमीटर चली, रिड्यूस हुई 88.6 किलोमीटर चली पंचकोशी, और सभी का नाभि केंद्र एक है। एक अजीब बात है यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहूंगा, इनसे हम शेयर कर चुके हैं, हो सकता है आप में से भी किसी को आनंद ना हो तो माफ कीजिएगा। थ्योरेटिकल फिजिक्स में बात की जाती है, कभी भी एक सेंटर से कॉस्मस इवॉल्व नहीं कर सकता, जब तक दो सेंटर नहीं होंगे कोलिजन नहीं होगा। दिस अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल जिसको विभिन्न तरह से टेस्ट किया गया। बाई चांस किम मालविन ने कहा कि भाई अरे यहाँ तो धार्मिक क्षेत्र में भी दो दो है, एक मैं आपको बता चुका हूं वो है मध्यमेश्वर, दूसरा बताइए कौन है जो नाभि है यहाँ का, बोलिए। कोई भी यात्रा बिना वहां संकल्प किए हुए नहीं हो सकती, चाहे लॉस हुआ गेन हो, वो जही के तई वही है। कौन है बोलिए, बिल्कुल एग्जैक्टली आप 100% करें, वो है ज्ञान वापी। अब जब दोनों को मेजर करके किया गया तो ये मैंने कहा कि बीच में हमने आपको ये बताया, उस साइंटिस्ट ने इसका अध्ययन किया तो उसने कहा कि अभी तक जो हम 25 साल से दुनिया का मेजर कर रहे हैं, केवल ऐसा काशी क्षेत्र है जहाँ दो दो एक्सिस खड़े हैं और तब ये कोलिजन हो रहा है, तो यहाँ तो ऑटोमेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है।
तो उसके बाद जो नीचे की यात्रा आई तो उसका नाम है नगर प्रदक्षिणा। फिर वो रिड्यूस होती है, तो वो रिड्यूस होती है तीन भागों में, जिसका नाम मैं पहले ले चुका हूं, ओंकार की यात्रा, ओंकारेश्वर, जो बीच में करीब 20 साल पहले लगभग समाप्त हो चुकी थी, मुस्लिम प्रेशर, लोगों का कुछ इस तरह से होना। लेकिन उन लोगों को बहुत धन्यवाद शिवानंद जी का, उन्होंने लड़के खड़े होकर, वहां एक भी भीतरी भाग में एक भी हिंदू नहीं है। लेकिन अब उसी में से कुछ मुसलमान लोग आए और उन्होंने कहा भाई ऐसा कराते हैं, हम लोग को भी तो बताइए, दो चार लोग ऐसे हैं जिसको हम लोग रिकॉर्डिंग किए हैं। अब वो यात्रा पुनः शुरू हो चुकी है, साल में कम से कम दो बार हो रही है, ओंकारेश्वर की पूरी विधिवत यात्रा, जिसमें 127 स्थल, इसकी मैपिंग हम लोग करके उन लोगों को दिए हैं कि आप करते रहिए। उसके बाद दूसरी आएगी भीतर, जिसको हम केवल अंतर्गिरी के नाम से जानते हैं, लेकिन वो विश्वेश्वर की अंतर्गिरी है या विश्वनाथ जी की अंतर्गिरी है। अंतर्गिरी तीन है, जो पहले नाम लिया वो ओंकारेश्वर की है, भीतर जब आएंगे तो अंतर्गिरी आएगी वो विश्वेश्वर की है, फिर दक्षिण में जिसमें हम लोग हैं, जिसमें दुर्गा जी भी जुड़ी हुई है, यहाँ नवाबगंज वाले रास्ते से एक रास्ता भी उसका जा रहा है, तो ये केदार खंड की यात्रा है। तो तीनों खंड में फिर आप पाएंगे जहाँ भी शिव होंगे शक्ति भी होगी। और कौन कौन होंगे? पहले विनायक होंगे, बुद्धि देने वाले होंगे, शक्ति तो साथ ही साथ रहेंगे, फिर इधर उधर आप तमाशा करेंगे तो दंड देने के लिए भैरव भी होंगे। उसके बाद क्या होंगे? साकनी डाकनी अंडसंग ऐसे कई होंगे, ये सब शिव का है ना, तो चलता रहेगा। तो शुरू करें 84 कोशी एक, पंचकोशी दो, नगर परिक्षणा तीन, फिर हुआ अभिमुक्त चार, फिर हो गया विश्वनाथ जी की, केदार जी की, फिर ओंकारेश्वर की, तीन ये हो गए सात। उसके बाद दो और ऐसी यात्राएं हैं जो लगभग अब समाप्त हैं, लगभग दो तीन साल से हम लोग प्रयास किए हैं, पार्टली वो फिर होने जा रही है। वो एक अद्भुत यात्रा है कि मैग्नेटिक नॉर्थ के आधार पर पूरे को जोड़ दिया शिव के माध्यम से। तो शिव केवल उस रूप में नहीं है, कैलाश में है तो वो भी एक्सिस है, तो उसका एक्सिस यहाँ कैसे है, उसको कहते हैं उत्तर दिक यात्रा, दक्षिण दिक यात्रा। इसका वर्णन जो है मराठी टेक्स्ट में आता है, और काशी खंड में केवल रिफरेंस है, लेकिन मराठी टेक्स्ट में आप ये पाएंगे पूरा सहित है, जिसको हम लोग ने मैप पर प्लॉट करके देखा, सभी एग्जिस्ट करते हैं, केवल लिंक जोड़ने की बात थी, अब वो सर्वाइव हो। अब चार्ट से हम पूरा टोटल मिला के बता रहे हैं कितने तरह के शिवलिंग हुए। इन सभी यात्राओं को जोड़ने के बाद कुल 444 शिव के रूप हुए। कैसे कैसे हुए? ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12 किसी न किसी यात्रा से जुड़े हुए हैं, एक किसी भी यात्रा में 12 नहीं है, लेकिन सभी जुड़े हुए हैं। 12 भारत में है या काशी में? अब एक बड़ी विचित्र बात है आपको, मैं ऐसे बताऊं आपको, सबसे पहले ज्योतिर्लिंग यात्रा का वर्णन जो चलता है वो महाभारत के प्रसंग में चलता है, वन पर्व में, जब पांडव जाते हैं। ये माइथोलॉजी में नहीं कर रहा हूँ, प्योर रिसर्च कर रहा हूँ, और ये आदमी वो आदमी है जिसने इसको खड़ा किया, प्रूव करके आज भी जीवित है, सुरेंद्र भारद्वाज, जो केवल PhD एक साल बाद छपती है, रिव्यू होती है, और आजीवन के लिए प्रोफेसर नियुक्त हो गए अमेरिका में, उसके बाद कुछ लिखे नहीं है। लेकिन दुनिया से सैकड़ों लोग उस व्यक्ति के पास गए, और उसने लिखना अपना बंद करके सभी अपने स्टूडेंट और उसको धारा बुलाया, और आज जो है गुरु के रूप में उनकी पूजा होती है। विगत 2 साल से हार्ट के प्रॉब्लम से नहीं आ रहे हैं, अदरवाइज आके बकायदा यात्रा करते हैं। उस व्यक्ति ने अपने किताब में जो 73 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस से उस साल की बेस्ट अवार्ड वो पाई किताब, जिसमें उसने सिद्ध किया, और फिर ये बताता है कि जब आप पूरे का भारत का नहीं कर सकते यात्रा, तो उसके लिए काशी वालों ने लगभग 7वीं शताब्दी में हर चीज का इलाज दे दिया। वो इलाज क्या है? सबकी रिप्लिका बना दिया। इसका हम लोग थोड़ा सा अध्ययन किया, ओरिजिनल फोटोग्राफ लीजिए जहाँ है, फिर उसको कंप्यूटर ग्राफिक्स से क्या ओल्ड हो सकता है ठीक किए, फिर काशी वाला लीजिए, फिर स्केल बदल के करिए तमाशा, तो आप पाएंगे 70-80% से 70-80% सिमिलरिटी उसे पाएंगे। तो ये भी एक अद्भुत चीज थी कि कैसे इसको, तो हम ये कहते हैं रिप्लिका है।
उस वैज्ञानिक के नाम दिया क्रेडिट जाती है डायना एक की, जिसकी बहुत फेमस किताब है बनारस सिटी ऑफ लाइट, ऑफकोर्स कम्प्लीटली आउट ऑफ डेटेड बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन 68। हाँ, तो आपको जानना चाहिए क्योंकि हम लोग गोरी चौबड़ी के चक्कर में जानते हैं, सब वहीं है, ऐसा नहीं, यहाँ भी कुछ है, हम लोग भी गोरों से कम थोड़ा है, ऐसा भी बताते हैं। हाँ, हाँ, जब अंग्रेजी में बोले तो सही बात है, बुरा माना तब माना, हम कर एनीवे तो वो चीजें ऐसी पता चली। तो अब इसको जरा देखिए, तो हमने कहा ये ज्योतिर्लिंग को, तो यह एक इसको जो शब्द दिया क्रेडिट जाती है डायनायक को, इसने एक बहुत सुंदर शब्द दिया। आप जानते हैं कि वो विदुषी संस्कृत के आचार्य हैं और भाषा की मास्टर है, मानो किसी को रुला सकते हैं, किसी को हंसा सकते हैं, इसी की रोटी खाते हैं, बड़े हाई चार्जर है। यानी तो उसमें ये प्रसंग आता है स्पेशियल मैनिफेस्टेशन, एक दिए हुए स्पेस में ओरिजिनल एनर्जी को ऐसा ट्रांसफर कर देना कि आपको लगे यही ओरिजिनल है, ये काशी के सिवा कोई नहीं। और इस तरह से सारे शिवलिंगों को एक शब्द में जोड़ा गया और उस कॉन्सेप्ट को यहां टच किया गया। ज्योतिर्लिंग जैसे हम कुल यात्राओं पर ले तो है 12, लेकिन ये 37 बार रिपीट हो गया, विभिन्न यात्रा में विभिन्न तरह से नाम जोड़ के उनको हुआ संकल्प हुआ। फिर स्वयंभू है, स्वयंभू 12 है, वो भी प्राचीन है, और फिर 12 को यहाँ रिप्लिका बनाई। जैसे एक उदाहरण पे हम सबसे करीब आपने लोलाकेश्वर का देखा होगा, वो इलाहाबाद से जुड़ा हुआ है। फिर आप वहां जाएंगे दशाश्वमेध पर जाएंगे, जैसे सुल्तानकेश्वर जाएंगे, इस तरह से जुड़ा हुआ। फिर है राम के परिवार में चारों भाई और सीता मिल के कितने स्थापित किए। फिर विभिन्न देवता लोग यहाँ आए, त्रस्त हो गए तो शिव की महिमा गाए। फिर ऋषि आए, शिव के गण आए, बड़े बड़े राजा आए, सभी ग्रह आए। फिर शिव के डिफरेंट रूप में जो लोग हुए, जैसे नंदी है, सांप है, बिच्छू, ये सब आए। उसके बाद जो है कथाओं के माध्यम से जुड़ गए। उसके बाद दुनिया भर के सारे लुच्चे लफंगे बदमाश राक्षस सब आए, और ये संख्या जोड़ करके सबको शिव में ढाल देने की और कहीं नहीं। तो पूरे यात्राओं को जोड़ कर या देखे शिवलिंग कितने हैं, तो 444 है। जनरल रूप में आप जोड़ते हैं तो लगभग जो हम लोग का गेस है कि 1250 हो सकते हैं, इसलिए कि हम लोग 1250 से जानते हैं, इसके अलावा नहीं जानते, लेकिन गेस है कि 3000 हो। तो ये एक दूसरा रूप था, समय बोल दीजिए हो गया कि नहीं हो गया। तो बंद करें यहाँ, रोके कुछ बात। अब जरा सा साइंटिफिक थोड़ा बोरिंग सुन लीजिए, तब प्रश्न करेंगे तो अच्छा लगे। मैं जो प्रश्न करने जा रहा हूँ, आप हृदय से जवाब दीजिएगा, भावना में बाकी नहीं। वेस्ट में या जो हमारा नॉलेज है, जिस तरह से हमारी पढ़ाई या शिक्षा हुई है, शिव को क्या कहते हैं, शिवलिंग का मतलब क्या होता है, कोई बोलिए, बोलिए शिव कल्याण देवता। नहीं नहीं, ये तो अपना हम कहे ना, इमोशन हटा के जनरल बात पूछिए, मालिक संभाल वो नहीं है। सभी जगह ये एक प्रचार कर दिया गया, मैं नाम लेके कह सकता हूँ, शिकागो की द ग्रेट महिला, जिसको भारत में बहुत आनंद है, वेंडी टोरेंगल, ये गुड रिलेशनशिप, उन्होंने दो तीन इस पर किताबें लिखी और जितना नर लिखना हो लिख सकते थे, सब फ्रायड और डार्विन ने कुल इसी में जोड़ करके केवल जितना सेक्सुअल इरोटिसिज्म हो सकता है सबका वर्णन कर दिया। मैं उनके ऑफिस में 10 साल पहले की बात है, हमने कहा आपसे एक प्रश्न पूछना है, मुझे संस्कृत नहीं आती और आप डिस्टिंग्विश प्रोफेसर ऑफ संस्कृत, आप बतला सकते हैं कहाँ लिखा है ये, कहाँ लिखा है इस तरह सेक्सुअल वाली बात। तो पहली लाइन कहे कि मिस्टर राणा रिमेंबर आई एम डिस्टिंग्विश प्रोफेसर ऑफ संस्कृत, यू नो दैट। तो हमने कहा एक बात और तुम जानते हो, मैं बनारस का महाखचरा राणा हूँ, हमारे हर कतरे खून में संस्कृत होती है। अब मेरा चैलेंज है, मैं लिखने जा रहा हूं, तुम्हारा नाम देके लिखूंगा कि जान कैसे किया गया है, कहां वो कोई भी संस्कृत का आचार बताए कि कहां सेक्सुअल सिंबल में इसका वर्णन है, किस जगह है, कहीं नहीं। उसके बाद वो कहेगा आई डोंट वांट टू टॉक, मैंने कहा यस आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ओके बाय बाय। उसके बाद काशी आती है, हम लोग मिलते हैं, लेकिन कोई शिवलिंग पर बात नहीं करते। ये हमने इसलिए कहा आपको कि वेस्ट के कई ऐसे चीजों से हमने मिस इंटरप्रेट किया।
उनको हमें कुछ आलोचना की नहीं बात है, बात है कि आप अपनी बात रखिए। ये हम क्यों कह रहे हैं भूमिका को, केवल एक बात बताने जा रहे हैं। जैसे ये हमारे भोजपुरी के सबसे बड़े आचार्य बैठे हुए, ये अभी गा देंगे गीत तो आप सब दूसरी दुनिया में चले जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं अभी वो बताइए, चलिए गुरु जी का आशीर्वाद है। शिवलिंग क्या है? ये है, यही शिवलिंग है, ठीक है। 108 प्रकार के शिवलिंग होते हैं डिजाइन। ये जो है सबकी जलना इस भाग, इसके तीन भाग होते हैं। जो भी मैं कहने जा रहा हूं, मेरा इसमें एक शब्द नहीं है। बहुत फेमस थियोरेटिकल फिजिसिस्ट लॉरेंस लेबोरेटरी के डायरेक्टर, बर्कले में रहने वाला आदमी, जिसके एक किताब से दुनिया में नया प्रतिमान स्थापित हुआ, पहली साइंस की किताब जो करोड़ों में बिकी है, उसकी टाइटल है ताओ ऑफ फिजिक्स। उसके थर्ड सेक्शन में आप चार पांच पेज पाएंगे जिसमें शिवलिंग का वर्णन है। मैं उसी को अपने रूप में सुना रहा हूं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। तीन रूप होते हैं। नीचे जो ऐसे जो भीतर का भाग है वो जड़ इत्यादि, जैसे पेड़ का जड़ जाता है, और उसके लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है सृष्टि रूप। सृष्टि का देवता है ब्रह्मा, और जो ही हम कहेंगे ब्रह्मा और इवोल्यूशन तो तीन लोग की बात करेंगे, और फिर किसकी बात करेंगे? सात तल के गणेश, ठीक है। अब इसी को जब दो डायमेंशन में होगा तो सात हुआ, जब घुमा देंगे आप तो सात पीछे भी हो गया, 14 हो गया, जिसे जैसे सात यहां हुआ, सात नीचे हुआ, और इसका शब्द है भुवन कोश, 14 भुवन कोश। ये शिवलिंग है जो नीचे ब्रह्मा है, ये पोर्शन ब्रह्मा का है जो कमल दल से दिखाया गया है, जाके वहां ओरिजिनल देखिए। ऊपर जो है इसके बाद आपको चार जो दिखाई दे रहा है, पीछे चार हो गया, ऑक्टोगोनल है। आठ किसके हाथ होते हैं? सबसे कॉमन कौन लेता है जिसके आठ हाथ होते हैं? विष्णु। और इनको जो नाम दिया गया है इसमें स्थिति, वही भोजन देते हैं, वही ये सब चलाते हैं। तो चार और चार ऐसे जोड़ दीजिए, पूरा स्पेस घूम रहा है। नीचे तीन तल में ये हो गए, फिर जो है उसमें 14 भुवन कोश हुए, वो ब्रह्मा का है। अब जरा अपने बॉडी से इसको मिला लीजिए, हूबहू आपके एनाटॉमी सिंबल रूप में चल रही है। जब आप ये खड़ा हो गया सारी, अब उसमें आपको भीतर सब कुछ खड़ा हो गया, तैयार हो गया, तो कौन सी वो शक्ति है जो आज जिसके कारण हम सब बैठे हुए हैं? कौन है बोलिए? मातृ। जन्मे ही नहीं होते तो रामानंद जी का भाषण नहीं होता, और वो है शब्द है यूप, जिसको गलत ट्रांसलेशन कर दिया गया। यूप का मतलब कभी भी फीमेल ऑर्गन नहीं होता है। कॉस्मोस का वो डेप्थ है जिसके लिए एक शब्द है मत्स्य पुराण का, वो है हिरण्य रूप है। कॉस्मिक एग, जिसको फ्रिज कापरा ट्रांसलेट करता है कि ब्रह्मांड का वो एग जिसकी अभिव्यक्ति आप करेंगे जब अपने माँ का आप छुएंगे पेट, यही से आप, और यही से पता चलता है कि ब्रह्मांड जैसा होगा। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल सिंबल है? अब क्लाइमेक्स देखिए, तो मां का जब रूप हो गया, अब आ गई एनर्जी आप में, अब कंठ खोलना है, आ गया, सब कुछ हो चुका है, सब मांस भर गया, सब पैर हाथ दे दिया, ब्रह्मा से बन गया, विष्णु से सारे हवाएं जुड़ गए, मां की शक्ति आ गई। लेकिन एक अंतिम अभी चाबी बाकी है, वो चाबी नहीं घूमेगी तब ये शक्ति निकल ही नहीं सकती, शक्ति कुछ कर ही नहीं सकती। क्या है शक्ति? वो उसी का नाम है शिव, और वो कैसे है? ऊपर की तरह से ऐसे है, स्फेरिकल एंड जिसे हम कहते हैं। हर बार ऐसे ही होगा ना, कहीं शिवलिंग ऐसे ही होगा, कहीं भी चले जाइए आकाश ऐसे ही होगा। और मत्स्य पुराण के एक छोटे से शब्द ने उस साइंटिस्ट को एक नई दिशा दी, आकाश रूपेण चित्त मात्रेण। शिव वो है जो इन्फिनिटी में कहीं भी जाओ ऐसे कवर करते हैं, लेकिन इसको तभी समझ सकते हो जब अपने चित्त को, सुपर कॉन्शियसनेस को इतना जगाओ कि वो मात्र बन जाए, वो डॉट से भी ऊपर हो जाए, तब तुम्हें समझ में आएगा ये शिव। और तब जो आशीर्वाद वो गुरु देता है, जो मैंने शुरू में आपको कहा शिवो वो हम शिव, तो ये है शिव का रूप। तब आप ये कैसे आप कह सकते हैं, मैं क्लोज कर रहा हूं, कैसे कह सकते हैं कि शिव इतने ही हुए, हमने इतना जाना इस रूप में इतना हुए? जैसे सुभाष जी हैं,
गुरुधाम इनके देन है। हम कहते हैं कि भाई और कुछ किए चाहे नहीं किए, हम 87 में किए थे तो कुछ नहीं हुआ, खाली गदा बांध के रह गए, गदा में शक्ति नहीं थी। सुभाष को मिल गया भैरव का आशीर्वाद, निमित्त बने चाहे जो बने, उद्धार करके खड़ा कर दिया। तो अब वहाँ एक शिवलिंग बनना चाहिए, बनारसी चल रहा है, बुरा मत मानिएगा। इस संकल्प ले, ये सब कोट वोट उतारे, जरा आंचला उछला पहने, माला वाला पहन ले, करें स्थापना, तो उस लिंग का क्या नाम होगा? सुभाषेश्वर। जो सुभाषेश्वर लिंग की पूजा करेगा वो बड़े विपत्ति में पड़ेगा, क्योंकि एक मंदिर को आपको बचाना है, नहीं तो उसमें से काल भैरव प्रकट होके आपको मारेगा। ये हू बहू यही होगा। जैसे उदाहरण देखिए, कुबेरेश्वर धन प्राप्ति के लिए, दालभेश्वर अच्छे दाल के लिए प्राप्ति के लिए, ज्ञानेश्वर ज्ञान के लिए, सब तरह के आ गए यहाँ। तो उसी तरह से अब यही कथा रिकॉर्ड जब हो जाएगी तब एक पुराण बन जाएगा, हो सकता है भविष्य में उसका नाम सुभाष पुराण हो, जैसे भानु शंकर मेहता को मैंने कहा कि मेहता पुराण है, इसी तरह से। तो मैं यही बात अपनी विराम करता हूँ, आपको कुछ कहना है मुझसे पूछना है, मैं कोशिश करूँगा कि प्रश्न जवाब दूँ। जी जी, जो शिवलिंग है जी, वो उसका अर्घा नॉर्थ डायरेक्शन में ही क्यों होता है? नहीं, नॉर्थ में नहीं होता है, ये प्रचार है, प्रपंच है, ज्यादा यही। नहीं, ज्यादा से कोई मतलब नहीं, हम लोग के वैज्ञानिक विधि के अनुसार जब वो पूरे कॉस्मास के ऐसे हैं तो जहां पर उत्तर दिक का वर्णन होगा, उत्तरा दिक के मतलब होगा तभी होंगे, चंद्रेश्वर होगा तो हर वक्त पश्चिमी होगा, सोमेश्वर होगा तो पश्चिमी होगा, जब अरुणेश्वर होगा तो पूर्वी होगा, जब उत्तर दिक का महत्व होगा तो उत्तर होगा, जब वो काल को रोक रहे हैं दक्षिणेश्वर तो दक्षिण होगा, यही कहां से होगा कि उत्तर के वर्ण होंगे? काशी में तो 2000 है जो नहीं है उत्तर में, वही ने बताया कि बनारसी स्टाइल है, कोई एक जो पड़ाका छोड़ दिया, वाह 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 वाह, अब मन में नहीं करेंगे, अरे ये सब गुरु वही तो हमी के बताइबा, अरे भैया जाके देखो यार। भाई आप प्रमाण यदि चाहते हैं सत्य सत्य, नहीं नहीं इसका सीधा भी जाके आप देखिए, तक पर बैठिए और जाइए। नहीं नहीं, सीधी सी बात है इसका, जब वो आदि रूप में इस रूप में है तो ये इतनी बातों के बाद ये कैसे हो सकता है कि खास डायरेक्शन में हो? ललारा कुंड में है, पूरब की तरफ है उनका, ठीक है होगा, तो हमने कहा कि सूर्य से रिलेटेड है तो होगा, ये जनरल रूल है, सोमेश्वर होंगे तो पश्चिम ही होंगे, लेकिन ये नहीं है कि ये स्ट्रिक्ट रूल है, ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। इसीलिए एक और प्रसंग आता है, आप मणिकर्णिका पर चरण पादुका पर जाए और उसका प्रसंग पढ़िए, क्या लिखा है, कैसे पूजा करें, वो आदि स्थान है। काशी का आदमी छूट गया है, लेकिन एक प्रसंग आपके ही उससे जोड़ दे रहा हूँ, उसी कंटेक्स्ट में उसका वर्णन आता है कि किसी भी मंत्र की कोई जरूरत ही नहीं है, ना कोई है नहीं, कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि विष्णु चाहे 5000 या 5 लाख वर्ष एक पाद पर अर्धमुखी ऐसे करके तपस्या किए तो शिव आए। वो अद्भुत जगह है जहां शैव और वैष्णविज्म का मिलन होता है, मैग्नेटिक फोर्स से भी होता है, लिंगों से भी होता है। तो उसका महत्व क्या है, वहां बैठ करके उसी तरह से आप सोचें कि मैं इसे कर रहा हूं, माने संकल्प कहिए या भीतर आत्मा कहिए, हो गया, कोई जरूरत नहीं, कोई मंत्र की जरूरत नहीं, ये भी तो काशी है। एक प्रश्न मेरी हो जी, अगर आप साउथ में जाए तमिलनाडु जी, तो वहां भी सैव लोग हैं, आपको ये पता है कि तमिल जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है जी, कहा जाता है वो भी। वहाँ आपसे अधिक विकसित, और इसका सबसे सटीक और वैज्ञानिक अभी अभी जो विधा आई है, जरूर हमारे इसमें से कई लोग जानते होंगे, सद्गुरु का जी, जग्गी वासुदेव का, जिसको सद्गुरु के नाम से जानते हैं, जो कोयम्बटूर में जिस तरह से उस व्यक्ति ने स्थापित किया है, कहीं भी एक दिन में मैं ये समझा, मैं रिसर्च गया था कि आगम शास्त्रों के और तांत्रिक विधियों को एकदम उसी रूप में हटाया और मॉडर्न रिचुअलिस्टिक थिंगों को हटा दिया, और अद्भुत वो क्षेत्र है। फिर रामेश्वर में जाइए, भद्रोही में जाइए, मगर बहुत सारे हैं, वो तो भरा हुआ है, लेकिन सभी की अपनी जो है, जिसे हम इंग्लिश में कहें कि कॉस्मिक सेंस में सभी है,
दूसरी चीज जी यहाँ पर शिव जी 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 इसके बारे में कहा जाता है कि ये दिल दिल बढ़ता है, नाप के देखिए बढ़ रहा है कि नहीं। आज के हिंदुस्तान में निकला है पर हम क्या बताएं। और एक पंचकोशी मंदिर है जी, ये इनका इनका उसमें ये है कि देखिए दो चीजों में आप जरूर ध्यान दीजिएगा। एक तो ये है कि आप फिजिकल सेंस में भौतिक रूप में कोई चीज जोड़ के जब देखना शुरू कर देंगे तब तो बहुत कठिन है। ये ऋषि परंपरा है, ये आध्यात्मिक है, इसे ये नहीं कह सकते केवल आस्था। इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड है डीप फेथ। इंग्लिश शब्द में ही बहुत क्लियर कट है डीप फेथ। जैसे उदाहरण में नहीं तो उसका वो है कि उस रूप में जब लेते हैं तो आपको लग रहा है कि तिल तिल बढ़ रहा है। कथा उसमें जोड़ दिया गया कि तिल चढ़ाता तो तिल बड़बड़ाता, औरंगजेब आए तो तलवार छटक गई थी तो तिल ने उसको जोड़ दिया था। ठीक है जी जी, मुझे साउथ के मंदिर में गया जी, उन्होंने कहा कि शिव के पन शिष्य हाँ बिल्कुल ना बिल्कुल, काशी में आइए वहाँ अधिकार है ना, वहाँ जो नंबर यहाँ जोड़ दिया गया उन्होंने पचड़ा यहाँ 156 है तो कोई होगा आपका भी हो जाएगा नाम। आप दीक्षा लेके कर दीजिए, एक शिवलिंग स्थापित कर दीजिए। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया है कि आए आपने, जैसे एक उदाहरण देखिए संकल्प, जैसे हम इनका ले रहे हैं हमारे बहुत प्रिय हैं इनको ये वाले नहीं सुभाष, सुभाष के नाम से मैं उस बात को मेटाफर जिसे कहते हैं यूज कर रहा हूँ। सुभाष नाम का एक लड़का था महाबदमाश, इसीलिए कहा ना कि मेटाफर में बोल रहा हूँ, ये बात मैं 5000 साल पहले का कह रहा हूँ। सभी लोग परेशान थे कि इतनी नंगई हूबहू एग्जैक्ट में एसेंस आप सारे पुराण का बता रहा हूँ। वाराणसी टाइम 5000 साल की बात है, सुभाष नाम का एक था, इनके नाम को मैंने यूज केवल किया है मित्रवत। ठीक है सभी लोग डिस्टर्ब थे, किया क्या जाए, कभी नंगा हो जाए इधर करे उधर करे, सब लोग परेशान हो गए। अरे भाई तो गर्व किया है, कोई समझ ही नहीं पा रहा था, डॉक्टर वैद्य सब फेल। एक किसी ने कहा कि इसको काशी भेजो, इसके पास कोई हाई एनर्जी इस तरह का जो भी शब्द प्रयोग हो वहां जब इस शिव से मिलेगा तब जाके कुछ होगा। ठीक है चले, वो पहले न्यूयॉर्क में थे वहां से ले लिए अपना यूनाइटेड एयरलाइन या पैनम जो भी हो पासपोर्ट लिए चले आए, टपक पड़े यहाँ पर, लगे चिल्लाने भूख के मारे, कभी कुछ मिला ही नहीं था प्लेन में। इसी तरह स्टोरी चलती है, मैं टॉफर पर बता रहा हूँ कि बोल रहा हूँ। और फिर आए गिरे लगे तस्त के वाह वाह लगे चिल्लाने, तब तक एक नंग धड़ंग गंदा सा आदमी आया, छुआ कहा बेटा सुभाष कई वर्षों से मैं तुझे खोज रहा हूँ। अब जो उसके छुआ इन्होंने ये भी भूल गए कि मैं नाम कहाँ है और कहाँ से आया हूँ। कहा बेटा मुझे पता है तुम्हें क्या करना है। उसने अपनी साधना से पहले तो इनको तृप्त किया, फिर इनको ट्रेंड किया, फिर जब सब कुछ हो जो अंतिम मैंने बताया दे दिया तब कहा कि बेटा अब तुम चले जाओ, तुम्हारा पासपोर्ट खत्म हो गया, वीजा खत्म हो जाओ। और एग्जैक्ट आप लास्ट देखिएगा इन सारे प्रश्नों का ये उत्तर आपको इससे मिलेगा इस कथा से। तब रोने लगे कि अब तो हम सब छूट चुका है कोई याद नहीं। दूसरी बार वो टच करता है, कहता है सारे विश्व का ज्ञान अब मैं ट्रांसफर अपना करता हूँ, प्राण प्रतिष्ठा केवल वही नहीं होती जो मैं पाया हूँ शिव से, अब तुम्हारे शरीर में डालता हूँ इसलिए कि अब तुम अपनी दुनिया में लौट के सबकी सेवा करोगे, तुम शिव में बंदी करोगे। तो क्या होगा अब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सब कुछ नामकरण होगा, तो नामकरण हुआ सुभाष प्लस ईश्वर सुभाषेश्वर लिंग का नाम हुआ। अब यहाँ एक बहुत मौलिक प्रश्न खड़ा होता है, वो होगा कि ये मूल रूप में ये बच्चा क्या चाहता था। उसी मोटिव के अनुसार गुरु ने सब किया था, जो खुला नहीं है गुरु केवल जान गया अंतर ज्ञान से। जैसे इनको मैंने इनको मत डायरेक्ट लगे, इनको बहुत ज्यादा डॉलर चाहिए सपोज कीजिए, उनको खाली मिठाई चाहिए, तो ये बात वर्णन में आई लिखा गया इस बात को कि उनका मेन मोटिव क्या था। जैसे कुबेरेश्वर को धन का हुआ, दालवेश्वर को दाल का हुआ, रावणेश्वर को रावणी शक्ति का हुआ, और इस तरह से सारे का ही वर्णन चलता है। और इसी तरह से ये बाद में जुड़ते चले गए और सबका नामकरण हुआ, सबका मोटिव रहा, सब में प्राण प्रतिष्ठा हुई और सभी का वर्णन जो है पौराणिक अख्यानों में है। और आज तक अभी तक किसी ने नहीं ऐसा प्रयास किया कि सारे अख्यानों का कैटलॉग बना लिया जाए।
ऑक्सफोर्ड और खोलिंगन 14-15 साल तक ही करते रहे, अभी एक के खंड में ठंडे हो गए, दो तीन जने मर भी गए। ये मैं केवल ये बताया कि ऐसा रहा। एक और समाधान चाहूंगा, समाधान मैं नहीं कर सकता, मैं शेयर करूंगा समाधान करने के लायक मैं नहीं। जी जी मैं काशी खंड पढ़ रहा था जी, उसमें मणिकर्णिका पर मणिकर्णिका पर प्रति रात जो है शिव जी आते हैं और जितने लोग वहाँ मरे जले हाँ ठीक है। उसी बगल में है जगह ब्राह्मण जिसका वर्णन जो है जासी भाव करता है 1, 2, 3 ठीक है ठीक है। उनका इंटरप्रिटेशन है, ठीक है उनका इंटरप्रिटेशन है, हाँ वही है उनका इंटरप्रिटेशन। अब एक ही बात में सीधे से आपका जैसे नाभि वाला बात है, इसको जरा सा हट के जवाब सीधे नहीं दे सकते। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो लियोनार्डो द विंची को जानते हैं या उनकी वर्ल्ड रिनाउंड फेमस पेंटिंग जो है वर्टूनियन मैन को देखा है? ये पता है आपको कि दुनिया की सबसे साइंटिफिक आज तक के इतिहास में एक ऐसी अद्भुत पेंटिंग है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, मोनालिसा नहीं है, माफ कीजिए ये आपका मोनालिसा जो है ये सब बॉलीवुड का असर दिखाई दे। उस पेंटिंग का नाम है वर्टूनियन मैन, उसमें एक एक रुएं जो बने हैं साइंटिस्ट ने अध्ययन किया और पाया कि सभी जो है साइंस के आधार पर पूरी बायोलॉजिकल थ्योरी पर आधारित है। मैं 6 साल अध्ययन किया हूँ जो ऐसे है आगे आप देखेंगे तो आपको लगता है पुरुष नंगा है ना, लेकिन जब ओरिजिनल पेंटिंग जाके देखेंगे तो ओरिजिनल जो आप देख रहे हैं 90% वो कॉपी है। और तो उसमें जो है आगे से ऐसे पुरुष दिखाई देता है, ओरिजिनल जो जिस पर किया था जो रफ वर्क है वो मिलानो में 16वीं शताब्दी का जो एकेडमिया एम्ब्रोसियाना है जिसका हम फिर लिए हैं काम किए हैं उसमें अंडरग्राउंड। और जब क्लोजअप आप वॉच करेंगे तब ये बात पता चलेगा कि पीछे तो मां पीछे जो है मां का हाथ आगे से पुरुष निकल रहा है। और जब मेजर किया तो काशी का जो अध्ययन किए जस्ट बाई चांस 84 कोसी में जब हमने माइंड को डाल के 14 पुरुष देखा तो मैं लेक्चर दे रहा था मिलानो में, तो हमने कहा मैंने सुना है कि ऐसा कहीं कुछ और भी पेंटिंग है। तो बिशप थे फादर के माँ इक्विपमेंट यू आर फ्रॉम दैट सिटी बनाया नया, हमने कहा नो सर बनारस का ही ऐसे बनाना कभी एशिया आई नहीं। तो मैंने लिखा है कि किस तरह से शब्द क्या गलत, और जब पूरी बात को समझे कि काशी ओरिजिनल नाम है तो कहा मैं तुमको मेरे पास की है। और इस तरह जब किया अब देखिए उधर हम चल रहे हैं 15वीं शताब्दी, इधर आप आ रहे हैं बहुत प्राचीन, दोनों में इस तरह सिमिलरिटी है। किस तरह से आप बात समझ रहे जो आप बात कह रहे हैं तो इस पर डिपेंड करता है कि किस कंटेक्स्ट में आप कहाँ तक उसको ले जाने की कह रहे हैं। जैसे साउथ में सभी परंपराएं जीवित हैं, बीच में नहीं टूटी है, हमारे यहाँ टूट के पुनः स्थापित है। जैसे जो हमारे आदि गुरु जिसको मैं मानता हूँ वो कोई इंडियन नहीं है, कोई गुरुगिरी का भी नाता नहीं है, वो हमको जब मिलेगा 2-4 गालियाँ देता है, जर्मन है ठीक है, नील्स गुस्सो जिनकी किताब होगी काशी में ना उस तरह लिखा गया है ना अभी 20 साल में लिखा जाएगा, ये भी मैं बता दूंगा वैसी किताब हुई है ना होने वाली है काशी में इतनी मोटी। क्या कहता है, कहता है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कब हिस्ट्री में क्या गैप हो गया काशी में, ये नहीं इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है जो दुनिया में कहीं नहीं है, जो अपने 50 साल में मैंने अध्ययन किया कि उसको इस तरह पुनर्स्थापित किया कि ओरिजिनल बन गया, ये कहीं नहीं है, ये काशी की मूल चीज है। तो उस रूप में इसको आप किसी भी ऐसे प्रश्न को डालें तो पता चलता है कि किस लेवल पर देख रहे हैं। इनको इनको कह देना आसन हम नहीं जानते, नहीं नहीं पिलग्रिम नहीं पर आसन है 84 आसन 84 पूछ सकता है दो कोरिलेशन कहीं नहीं कोरिलेशन, हम बोल रहे हैं तो आपसे कोरिलेशन नहीं है क्या शिव में हम सब ये तो बात की बात है।
कुछ नहीं, ये ऐसा ऐसा ये है ना कि भाई आप किस रूप में क्या मांगते हो इस पर बात नहीं बनता, ये बात की बात है। लेकिन जब आधी बात जाएंगे और वैज्ञानिक रूपता से जोड़ेंगे तो वैसा तो कुछ नहीं है। यहाँ कर या ना कर, जैसे नानक की कथा से देखिए, यहाँ आए ये उनका हो या दयानंद जी का है, तो लोग मारपीट के ये कर दिए कि शिवलिंग पर पैर डाले हो तो खींच करके बांध के, दुर्गा कुंड की कथा है, कहाँ आई मैं नहीं जानता, तो खींच के पैर ऐसे कर दिया, अब मारा दो चार पैर बांध, आए दो चार घंटे बाद देखे तो शिवलिंग फिर पैर में दूसरा। क्या इस अर्थ का मेटाफर है, एक तरह से प्रतीक है कि उनकी आस्था इस तरह जुड़ी है, तो इसमें सवाल ही नहीं हो सकता है ऐसी। तो आप कहां तक जुड़े हुए हैं इस पर ज्यादा डिपेंड करता है। पंचकोशी मंदिर है आपका? हाँ ठीक, एक जो अद्भुत मंदिर है, इन्होंने बहुत अच्छा ये कहा, काशी में वो ऐसे तो कहेंगे इतिहास के झरोखे से आप कहें तो लगभग 1840 से 1850 के बीच का बना हुआ, उस पर पूरी एक किताब है जो हमारे गुरु जी नील मिश्रों ने किया था, करीब 12 साल पर उसको किया था, जितने भी उसमें बने हुए हैं याइकन ताखे और जितनी मूर्तियां, उसका उसी लेवल पर उसी तरह का प्लेट बना करके अध्ययन किया गया। नाम भी लिखे हुए हैं। हाँ, उसमें उसकी खासियत ये है कि जैसे पहले बात कही है स्पेशल मैनिफेस्टेशन, तो आपको एक ही मंदिर में 324 उसमें बने हुए मूर्तियां, हम लोग पूरी पूरी किताब है 500 पेज की A to Z की, नील से गुस्सा हो पहले सब शिवा है, नील से गुस्सा होगा। तो उसकी ये खासियत ये है कि जैसे जैसे चल रहा है, जैसे जैसे उसकी यात्रा है, सब उसको प्लॉट किया गया। वो एक अद्भुत ऐसी रचना है, पूरे भारत जैसे जाए आप, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग ले लिए, फिर 12 आपने जो है शंभू ले लिया, फिर उसी तरह से आपने 56 विनायक ले लिया, फिर आपसे 27 गणेश की बात ले ली, वो सभी काशी में दीपिका बने और उन काशी को फिर एक मंदिर में सबको ट्रांसफर कर दिया और सब जगह नीचे इंस्क्रिप्शन, कई जगह टूट गए हैं, कुछ लोगों ने सीमेंट लगा दिया। अब आपसी लड़ाई के झगड़े में ऐसा क्या कर लेगा भाई, तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी में जब आ गए तो चिल्ला सो गए, अब लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, झगड़ा झंझट हो रहा है। लेकिन वह काशी का जिसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया था पहले कि इसको यूनेस्को की ओर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर इंटरफेयर करे, क्योंकि अद्भुत नमूना बाद में समाप्त हो जाएगा। इसका नाम ये पंचकोशी मंदिर, चौक से जाइए, कचौड़ी गली में जाइए और जो है वहाँ का कौन वो राम बाजार के बगल वाली गली है, लिखा हुआ है पंचकोशी गली, गोला गली, पंचकोश लगभग जो है कम से कम 30 पोली नगरों में विकसित हुआ और आज भी है। लेकिन सभी या तो जैसे 84 कोशी यात्रा ब्रज की बहुत मशहूर है, काव्य में है, लेकिन प्रैक्टिकली जाके नाप के देखिए तो नहीं है, सब बदल गया। वहाँ भी है, बिल्कुल है, पंच केदार की वहाँ यात्रा है, पंचकोशी की वहाँ यात्रा है। वही तो बताया कि एक चीज खूबी ये रही, इसको इंटैक्ट ऐसे प्रिजर्व करके रखा, बगल अगल में सब मंदिर बन गए, कुछ भी हो गया, दखल हो गया, लेकिन वो चीज जो के तो उस साइट पर है, ऊपर आर्किटेक्चर बदल गया, भीतर जो के तो लिंग और मूर्ति जो के तो है, ये इसकी खासियत। एक जिज्ञासा और पानी पी ले, तीन दिन के बाद जाऊंगा त्रिलोचन, जरा इस त्रिलोचन के बारे में आप बताइए। त्रिलोचन तीसरी आंख खुल जाएगी, सब भस्म हो जाएगा भाई जी। अच्छा वहाँ वाला तो उसी की रिप्लिका यहाँ त्रिलोचन घाट पर जाइए ना, माने क्या कि सब ओरिजिनल जहाँ आस्था हो सब ओरिजिनल है, बिना वहाँ पर कर्मकांड कराए इसको नहीं मानते हो, मत माने तो आप भी बन जाइए स्वयं कर्मकांडी। इसमें क्या करना, आप जो बता रहे हैं उसका जो है तीनों को वो जो है हमारे किसी यात्रा में सीधे नहीं जुड़ता, वो ना तो 84 कोशी में जुड़ता है सीधे, वर्णन में नहीं है, पंचकोशी से वो बाहर है, 84 कोशी के बॉर्डर पर है। लेकिन लोकोक्तियों के अनुसार ये मान्यता है कि उसी त्रिलोचन का यहाँ जो है आँख बंद किए खोले, जो भी लोकोक्ति है सीधे इसका हमें मिला कहा साहित्य में, उसको पुनर्स्थापित कहा यहाँ अपने यहाँ त्रिलोचन का, त्रिलोचनेश्वर शिव का जो है, और दो ऐसे स्थान हैं। फिर वही बात आप कर रहे हैं आदि नाम का, ये आपका नाम मत है, आदि जोगी तो आजकल सबसे बड़े हो गए हैं, जग्गी वासुदेव वाले सदगुरु जिनका नाम ही है आदि योगी, और उन्होंने प्रूफ कर दिया अपने ढंग से, वैज्ञानिक उसी को मान रहे हैं,
सब तरह से मैग्नेटिक वेव दुनिया पोल्स को लगा के जा रहे हैं तो वहाँ एक कोई भैया उसको दे दीजिए बस यही भी देना है नहीं देना है यहाँ पे देना है बाहर ये जो है 84 कोशी यात्रा में मान्यता के अनुसार है नहीं मान्यता के अनुसार है लेकिन यदि 84 कोशी प्लॉट कर देखिए तो बाहर नीचे है जो है विशाल का जो लेंगे जैसे जैसे चाहे तैसे दे दीजिए इसमें आपको हम लोग किधर से उधर से उधर से तो आप कहें कि आए हम कहे जाए नहीं वो कहना बड़ा मुश्किल है यहाँ एक बात मैं अपना कहना चाह रहा हूँ जी दादा ये है जो दशाश्वमेध की जो बात की जाती है इसको अदरवाइज मत लीजिएगा ये मूल दशाश्वमेध है ही नहीं मूल प्रयाग में दशाश्वमेध क्या पर जो आर्कियोलॉजी वहाँ की स्टेट आर्कियोलॉजी ने जो काम किया है और उसको जो इलाहाबाद म्यूजियम में रखा जो कुछ लेख है शर्मा जी इत्यादि का जिससे पता चलता है कि बाहर शिव नागांव का वो केंद्र रहा है ये उसका दूसरा सब केंद्र के रूप में है और बाद में रिप्लिका बना के इसको मान्यता दे दी गई फिर उसे तभी तो ये तो बहुत बाद में जोड़ दिया ये तो बनारसी फिर आ गए जी महादेव को इसलिए कि प्रियनील जी इसको बता रहे आज अखबार में निकला हुआ है वो कथा नहीं आज हिंदुस्तान जी हम ये कह रहे थे कि हमारा अभी हम लोग केदारखंड में हैं इसकी जो सीमा कही जाती है कि असली नदी के इधर ऐसा कहा जाता है कि मुचू बन बना हुआ है लेकिन अगर ये पंचकोसी के जो हम ये रास्ता देखते हैं तो क्या वो हमारा काशी में नहीं आता है ये क्यों अगर नहीं आता तो क्यों जो सीमा की जहाँ तक बात है वो हमारा मैप देख लीजिए हम लोग सब सर्वे करके प्लॉट करके बना चुके ए टू जेड और उसमें हर वक्त ये बात याद रखिए कि सबके ऊपर एक गहन आस्था का सवाल है मालवी जी ने साउथ में लिया लोगों ने विरोध किया कि तो काशी के बाहर है का तभी तो हम कर रहे हैं क्यों तो गुरु जी कहे क्यों तो इतनी आस्था कर दो कि अभी शिवमय हो जाए ये विषय तो उन्होंने अपने गुरुजी की जो बात की है इलाहाबाद के प्रसंग में उनके प्रसंग में ऐसा आता है और जो वो जैसे ऋषियों की जो बात किए तो उसमें कुछ लिंग जो है बड़े अद्भुत है जैसे आपने नाम लिया तिलवांडेश्वर का तो आप ऐसे चाहिए टच करना आप नहीं कर सकते दो आदमी के विषय में वहां कहा होता है कि मैंने हस्बैंड वाइफ जाके करिए टच हो गया तो इसका मतलब है कि अभी जीवन बहुत अच्छा है आशीर्वाद मिला नहीं टच हुआ तो समझ लीजिए खतरे की घंटी है तो काहे को जाके करो पहले ही घंटी देखो फिर उसी तरह से जयवेश्वर का भी मंदिर उसी तरह ना ना मुंह में नहीं बस मणिकर्णिका जो है कथा का भी एक वो होना चाहिए मैं अभी बात होती रहेगी इनकी तबीयत ठीक नहीं है और 45 मिनट से एक घंटा 45 मिनट हो गया और देखिए मैं तो अभी समझता था कि मेरे अपने अध्ययन के अनुसार कि काशी लघु भारत है लेकिन आज जो बातें हुई उससे लगा कि काशी एक ब्रह्मांड है लघु ब्रह्मांड है अगर उसको उस परिप्रेक्ष्य में समझें जिस परिप्रेक्ष्य में जिस गहराई से और जितने तर्कों और प्रमाणों के साथ अभी तक वार्ता हो रही थी ये जितनी चीज़ें जो प्रश्न आ रहे हैं वो बहुत बात के हैं इन पर हम लोग कभी भी बात कर सकते हैं अभी भी कर सकते हैं काशी एक ब्रह्मांड है ज्ञान एक ऊर्जा का केंद्र है और उसके बहुत सारे पक्ष हैं आप आंतरिक पक्ष ले लें बाह्य पक्ष ले लें माहौल का पक्ष ले लें ज्ञान का पक्ष ले लें धर्म का पक्ष ले लें उस सब मिला करके एक जो ऊर्जा का एक पुंज है वो काशी है और मैं बस इतना कहूँगा कि आज तो रानेश्वर कहें या राहेश्वर कहें यही है और शायद इनको चाहे जितनी बार आप सुने उसमें इतनी चीज़ें हैं कि वो बार बार कम निकले देखिए इसके बहुत से पक्ष हैं अगर हम गुरु जी की जितनी बातें हम लोगों ने सुना और पुरातत्व इतिहास आप जिस भी विषय के साधक हैं उस जिस भी कोण से आप समझें तो हर शहर को हर व्यक्ति को देखने का एक नज़रिया होता है लेकिन काशी को देखने के लिए जो नज़रिया चाहिए
वो आप देखेंगे कि परंपराओं से निहित जितने भी ज्ञान है उनको कथाओं के रूप में परंपराओं के रूप में सम्मिलित करके कैसे हमारे साधकों ने ऋषियों ने इसको प्रतिस्थापित किया है और उसके एक एक चीज समझने के लिए मेरे ख्याल से एक एक ग्रंथ लिखना पड़ेगा। तो ऐसा आप सीधे पूछ लें कि तिल भंडेश्वर के लिए कि क्या कथा है, वो सब कथा वही है जिसे इन्होंने बताया कि शुरुआत कैसे होती है, प्रोसेस वही है, किसी नगर शहर के बनने का प्रोसेस भी वही होता है जो हमारे व्यक्तित्व के बनने का की प्रक्रिया होती है। और एक चीज के लिए मैं क्षमा याचना नहीं करूँगा क्योंकि हम लोगों ने काशी विमर्श शुरू किया था यहीं से और धीरे धीरे आप सभी का प्यार और आशीर्वाद इतना बढ़ता जा रहा है कि मैं समझ रहा हूँ बैठने की बहुत परेशानी होती है, सब कुछ है। तो मैं इसको दो तरह से व्याख्यायित करता हूँ, एक तो ये कि अगर आपकी व्यवस्था फेल हो जाए तो कार्यक्रम ज़्यादा सफल है क्योंकि हमारी उम्मीदों से ज़्यादा लोग आए, आपका ज़्यादा मुझे प्यार मिला, आशीर्वाद मिला और हम चाहेंगे कि हमारी जगह ऐसे ही छोटी पड़ती रहे क्योंकि आपका प्यार आपका आशीर्वाद हमें ज़्यादा मिलता रहेगा और आप सब ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बरसाते रहें और शिवरात्रि आप सभी के लिए इस पूरे देश के लिए शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ संध्या।